हेलो एंड वेलकम, मैं यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। दोस्तों आज से हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें 10th क्लास की मैथ आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो पहला चैप्टर 10th क्लास की मैथ में जो कि एनसीईआरटी हम पढ़ाएंगे, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिग्नोमेट्री, समझो हिंदी में इसे त्रिकोणमिति कहते हैं। वैसे इन जनरल जब आप लिखेंगे तो ट्राइगोनोमेट्री, राइट। समझो रिलेशन बिटवीन साइड और एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो यहां लिखा है कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन क्या? साइड्स, एंगल ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ दो चीज पे वर्क होगा, एक हमारा एंगल्स पे होगा और एक हमारा साइड पर होगा। बाकी ज्ञान की बातें कि आपसे पूछ लिया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कब आया, तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज ए 16th सेंचुरी लैटिन डेरिवेटिव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फ्रॉम द ट्राइंगल ट्राइगोनोन एंड मेजर मेट्रॉन, राइट। तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, ये एक ज्ञान की बात है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको मोटा मोटा याद रखना है कि त्रिकोणमिति मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो अर्थ होता है वो होता है रिलेशन बिटवीन साइड और एंगल्स। एंगल्स किसका? एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां तक कोई आपको तकलीफ नहीं होगी तो ये आप लिख लीजिएगा कि साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स के रिलेशनशिप को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। सब तो ये ज्ञान की बातें। अब हम चैप्टर को पढ़ेंगे। देखो जब हम 10th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हमारे लिए पहली बार होता है ये चैप्टर। बाकी सारे चैप्टर बच्चों ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ा होता है, बट इस चैप्टर के बारे में उन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं होता। तो बिल्कुल जीरो से आपको क्या करना है? शुरुआत में याद करना है, ये नाम होता है, ये होता है, बस इसको याद करना है बहुत अच्छे से। समझो जो ट्रिग्नोमेट्री हमारी बेस्ड ऑन है वो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड ऑन है। किस पे बेस्ड ऑन है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब हिंदी में समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या मतलब? उसका एक एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। समझना, ए बी और सी। अभी किताबी लैंग्वेज आपको अलग समझाएंगे, पहले आप नॉलेज का पार्ट समझो। नॉलेज का पार्ट क्या है कि अगर ये एंगल थीटा है, क्या है? थीटा। तो इसके सामने वाले को हम लोग बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हिंदी में इसे बोलते हैं लंब। ठीक है, तो एनसीईआरटी मोस्टली बंदे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश में तैयार रखना कि इसके सामने की जो एंगल को हम लोग बोलेंगे क्या? परपेंडिकुलर, राइट। हिंदी में बोलेंगे लंब। इसे हम लोग बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। हिंदी में आधार बोला जाता है। और प्यारे दोस्तों इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। हिंदी में कर्ण बोलते हैं। ये तीन नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। वंस अगेन सारे बच्चे समझे, सपोज ये 90 है और इस एंगल के रिस्पेक्ट में खेलना है, मालूम चला ये थीटा है, तो इसके सामने इस एंगल को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, इसको इसके अकॉर्डिंग बेस बोलेंगे, और ये हमारा होगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। तो याद रखना, देखो थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और ये हाइपोटेनस। थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। देखो 10th क्लास का जो बच्चा होता है उसे बिल्कुल पहली बार सीख रहा होता है तो बहुत स्लो बताएंगे जिससे आपको समझ में आए। अगर कंपटीशन का बच्चा होगा उसे कैसे भी बताएंगे वो थोड़ी देर में आप देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम दो दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप समझ जाओगे कि किस हिसाब से हमें कंपटीशन में पढ़ना होता है। बट अभी आपको सीखना है क्योंकि जीवन में पहली बार है
तो पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस क्या, आपको हाइपोटेनस की स्पेलिंग में भी ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे ना, और ट्रिग्नोमेट्री की स्पेलिंग में भी आप गलत कर दोगे, तो उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। समझो, ये चीज समझ में आ गया। अब मान लो आपको ये तीन नाम याद ही नहीं हो रहे अपने जीवन में कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। तो आप याद रखो अपने टीचर का नाम प्रकाश भाई है, यानी मैं आपका टीचर, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, P फॉर परपेंडिकुलर भाई, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। तो ऐसे भी आप नाम को याद कर सकते हैं और ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, या प्रकाश भाई है, तो इसको रफ करते हैं, समझना भी। देखो तीन नाम आपने याद कर लिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। ध्यान देना, ये चार्ट बना रहे हैं, इसे अच्छे से तैयार करना। ये 90 है, ये एंगल हमने थीटा घोषित किया, नामकरण कुछ भी लिख दो, ए बी सी ऐसे लिख दिया, नामकरण लिख दिया, और ये एंगल हमने थीटा घोषित कर दिया। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो होते हैं, क्या होते हैं, रेशियो होते हैं। ये आपके लिए नए नाम होंगे, इन्हें आपको धीरे से याद करना है कौन से रेशियोज होते हैं। जैसे पहला हमने साइन थीटा घोषित किया क्योंकि ये एंगल के हिसाब से, दूसरा कॉस थीटा घोषित किया, और तीसरा हमने बच्चा टेन थीटा घोषित किया। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, ये नाम आपके डिक्शनरी में आ जाने चाहिए अब। और इन्हीं के रेसिप्रोकल, इन्हीं के रेसिप्रोकल, कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस थीटा का होता है सेक थीटा, टेन थीटा का होता है कॉट थीटा। तो ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तैयार करने, पहले तीन नाम, अब ये छह नाम आपके जीवन में जुड़ गए। अभी इनमें मुद्दा है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, तो ये छह नाम याद करने हैं। अब समझो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसके सामने ये परपेंडिकुलर होता है, नीचे बेस होता है, और दिस इज द हाइपोटेनस, दिस इज द हाइपोटेनस। अब साइन थीटा, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब यहां से गए ये और इससे यहां आए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बी बाई एच होता है। टेन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। समझो, अभी हमने आपसे कहा था बच्चा कि इसके रेसिप्रोकल आपको तैयार करने पड़ेंगे। रेसिप्रोकल क्या, साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कॉसेक होता है, और साइन कहता है पी बाई एच, तो कॉसेक उल्टी बात करेगा, एच अपॉन पी। देखो कॉस थीटा कहता है बी बाई एच, तो सेक थीटा कहेगा एच अपॉन बी, और टेन थीटा करता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा कहेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो हमारे होते हैं कितने, छह। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अब इसके रेसिप्रोकल, तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। ये नाम याद करने पड़ेंगे। अब सुनो, अभी आपको पहली बार याद करोगे तो इसको याद करने में आपको एक आध घंटे लग जाएगा, तो सर ट्रिक बता दो, तो ट्रिक समझो, पहली ट्रिक से बात करते हैं। देखो जब हम ट्रिक की बात करते हैं बच्चा, चलो ट्रिक्स कर देते हैं, कई सारी चीजें बताते हैं। देखो आपको याद रखना है पंडित, बद्री,
प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, और क्या तोले, सोना चांदी तोले। ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए ये बन गया सोना चांदी तोले। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आप साइड में अभी बना के, मतलब जब ये करना है उससे पहले इसको साइड में बना लो, लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। S for sin theta, C for cos theta, T for tan theta। कोई हमसे कह रहा sin theta का होता है तो का कहोगे, कहोगे सर sin theta perpendicular upon hypotenuse होता है, cos theta क्या होता है base upon hypotenuse होता है, और tan theta होता है perpendicular upon base। ठीक है, या क्योंकि हमने यहां ट्रिक्स लिखा है, ट्रिक नहीं, तो अब दूसरा नाम याद कर लो। दूसरा नाम क्या है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से देशभक्ति में 15 अगस्त अभी निकला ही है। या तीसरा, अब मान लो इंटॉक्सिकेटेड है, मतलब कोई एक नशेबाज है, अब वो क्या कहेगा पापा से कि पापा बियर पियोगे, तो पापा कहेंगे हां हां बेटा। तो आप ये देखो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है। अब ये नहीं घर पे जाके पापा करो पापा बियर पियोगे का, वो गलत बात है। अकॉर्डिंग टू, मतलब इसको आपको सीखना है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ना नेक्स्ट वन, आप देशभक्ति में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और कोई तकलीफ हो रही है तो आप अपने टीचर का नाम याद रखो। टीचर का नाम प्रकाश भाई है, आप इसको भी याद कर सकते हो क्योंकि हमने ट्रिक्स लिख दिया है। समझ, अगर ट्रिक्स लिख दिया है तो मेरे शब्दों को समझना। प्रकाश भाई है, प्रकाश है, प्रकाश, तो चमकता क्या है प्रकाश, चमकता क्या है प्रकाश, तो चमकता है प्रकाश है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और चमकता है तो साइन थीटा। ठीक है, कौन है आपका, आपसे कोई कहेगा प्रकाश है तो चमकता है साइन थीटा, कौन है आपका, तो कहोगे क्या भाई है हमारा। अब जब भाई है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इन जनरल मुझे लोग क्या कहते हैं प्रकाश भाई, प्रकाश भाई मतलब टेंजेंट या टेन, टेन थीटा हमारा क्या हो जाएगा प्रकाश भाई। राइट, देखो अभी लग रहा होगा कि सर इतना सारा क्या हम ये छह नाम याद कर लेंगे, इतनी जल्दी नहीं याद होने वाले, ठीक है, अच्छे खासे भूलेंगे, समय लगेगा। और ये जीवन में ये जो चैप्टर है आप अपना टेंथ क्लास में पढ़ेंगे, अगर मैथ से इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, बीएससी किया तो वहां पढ़ेंगे, बीटेक किया वहां पढ़ेंगे, मतलब ये चैप्टर आपका साथ नहीं छोड़ना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे, रेलवे भर्ती बोर्ड, ठीक है, एनटीपीसी की वैकेंसी हो गई, साथ ही साथ एसएससी के एग्जाम हो गए, सीडीएस का एग्जाम हो गया, सीडीएस समझ रहे हैं, और एक्स ग्रुप हो गया, तो वहां सब ये आना ही आना है बच्चा, तो इसे याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे याद होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है, समझो ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं, छह रेशियो होते हैं। पहले तीन नाम याद करो कि साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, तो साइन कॉस टेन तो इसका रेसिप्रोकल, कोई आपसे कहे साइन का रेसिप्रोकल क्या, तो क्या कहोगे कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल क्या सर सेक होता है, टेन का क्या कॉट होता है, क्लियर। चल तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, ध्यान देना सारे बच्चों बहुत अच्छे से। देखो इसके अंदर ये तो पहला बेसिक पार्ट था, बेसिक क्या सभी कुछ बेसिक है आज के सेशन में, एक्सरसाइज भी एक कंप्लीट करेंगे पूरा प्रॉपर वे में। ये ट्रायंगल बन गया, अब नामकरण ए बी सी, जनरली इस एंगल को अब हम सी बोल रहे हैं और इस एंगल को ए बोल रहे हैं। पहले समझो ए और सी हमारे एक्यूट एंगल होंगे, क्या होंगे एक्यूट एंगल, और ये हमारा
राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है। चीजों को अभी समझना, एक्यूट का हिंदी में अर्थ होता है न्यून कोण। अच्छा, वहां पर जरा हिंदी में बताना था, हिंदी वासी अगर कोई है एनसीईआरटी में तो वो लाल बटे कक्का याद करता है, लाल बटे कक्का, और इसमें साइन कॉस टेन, लाल तो साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार, ऐसे याद करता है हिंदी वासी लाल बटे कक्का। इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले समझे। अब यहां समझो, देखो हमें ऐसा सीखना है डेप्थ नॉलेज। अब ये नहीं कि एनसीईआरटी लगा रहे हो, एनसीईआरटी एज ए बेसिक बुक हो गई आपकी, ठीक है, और पढ़ाई करोगे तो आरडी शर्मा लगाओगे, और तो अलग अलग बुक लगाते हैं बच्चे, फिलहाल एनसीईआरटी से ही हम पढ़ाएंगे समझो। तो हम उस हर लेवल को लेके चलेंगे बेसिक में। ए और सी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का अर्थ होता है न्यून कोण हिंदी में। इन जनरल एक्यूट का अर्थ ये हुआ कि जो एंगल ए और एंगल सी है वो हमारे 90 डिग्री से लेस होने चाहिए, मतलब 90 से लेस होने चाहिए, और ए और सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। क्या होगा? एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वी नो वेरी वेल द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 डिग्री, मतलब किसी त्रिभुज के सारे कोण का सम 180 होता है। तो आप देख रहे हो कि एक एंगल हमारा 90 डिग्री ऑलरेडी हो गया, दैट मींस जो अदर टू एंगल्स होंगे हमारे ए और सी वो क्या होंगे, उनका योगफल, उनका सम, SUM, सम एडिशन इज इक्वल टू किसके, 90 डिग्री के। क्लियर? चल अब देखो, ये था दूसरा बेसिक। थोड़ी देर पहले देखिए, बार बार जब चीजों को याद कराएंगे तब बच्चों को याद होता है। थोड़ी देर पहले हमने वो बनाया था तो परपेंडिकुलर बेस, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, ऐसे लिखा था। अभी गेम को समझो और अच्छे से तैयार कर लेना, अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे चीजों को सिखाएंगे। साथ ही साथ आपने यहां देखा कि अगर मैं साइन कोई एंगल मान लो थीटा ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस वन, हाँ कल को ये ना कहे कोई ये ले रहे, तो ये परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज प्रकाश भाई है। साइन थीटा लिया तो पी बाई एच आया था, बोलो हाँ, तो साइन का अपोजिट था कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या कह रहा था, एच बाई पी। अभी समझना गेम क्या कराना चाहते हैं, पहले एक बार रिविजन में लिखवा दें क्योंकि तुरंत बच्चा भूल जाता है। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये समझो, एक पार्टी मोदी जी की है और एक पार्टी केजरीवाल जी की है। ये मोदी जी की पार्टी है और ये क्या है, केजरीवाल जी की पार्टी है। मोदी जी क्या कहते हैं, मोदी जी कहते हैं भैया इसी रास्ते से जाना है, तो केजरीवाल क्या कहेगा, इस रास्ते से नहीं जाना, मतलब जस्ट अपोजिट बात करेगा। क्या बात करेगा, अपोजिट बात करेगा, मतलब साइन थीटा का मतलब पी बाई एच, तो कॉसेक थीटा जस्ट उसका रेसिप्रोकल पी बाई एच, तो एच बाई पी। मोदी जी कहेंगे, मतलब मोदी जी कहेंगे क्या 42, मान लो ये बोल रहे हैं मोदी, बोल रहे 42, तो केजरीवाल क्या पढ़ेंगे 24, तो जस्ट उल्टी बातें करेंगे। बट जिस दिन दोनों लोग एक साथ हो जाएंगे, मालूम चला पार्टी, आप पार्टी दिल्ली की विलय कर गई, मतलब मर्ज हो गई, और जो मर्ज हो गई तब एक साथ हो गए, जैसे कि आपने बिहार में देखा होगा, ठीक है, नीतीश जी हमारे, तो जब मर्ज हो गए तो आप देखो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर, वन के, क्या वन के, साइन थीटा और कॉसेक थीटा किसके, वन के। जब दोनों एक साथ होंगे तो एच से एच कैंसिल होगा, पी से पी कैंसिल होगा, तो हमसे कोई कहते साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो वन होता है। अब यहां से एक और बात निकल के आई कि साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई किसके, कॉसेक थीटा के, या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन थीटा।
ऐसे कॉस सेक कभी मिल जाए, कॉस थीटा और सेक थीटा तो भी वन होता है, टेन थीटा कॉट थीटा जब ये मिल जाते हैं तो वन होता है, क्योंकि जब अपोजिट बात करते हैं तो फिर उल्टी बोलेंगे, P by H तो H by P, पर जिस दिन दोनों लोग एक ही मंच में बातें करेंगे तो कभी किसी का अपोज नहीं करेगा। अभी आपने देखा होगा बंगाल में जब बाढ़ आई थी, ठीक है, साइक्लोन तूफान आया था, तो एक ही हेलीकॉप्टर में ममता बनर्जी जी और मोदी जी, पर वैसे ममता जी मोदी जी के बारे में उल्टा सीधा कहते हैं, ममता जी मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी जी कहां की, बंगाल की, ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, राइट, एनी डाउट एनीवन, ठीक है। चलिए तो ये चीज क्लियर है, इसको याद करो बच्चा अच्छे से। अब एक थ्योरम बताते हैं, आपको पहले से याद होगा पाइथागोरस थ्योरम, कौन सा नाम है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो पाइथागोरस जो शब्द है पाइथागोरियन से आया है, पाइथागोरियन, ठीक है, ने थ्योरम दिया पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरियन नाम था, उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दे दिया। समझो होता क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगा, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सब राइट एंगल ट्रायंगल पे ही खेला जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, मतलब ये अगर मान लो थीटा है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस एंड हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस, ये हमारी थ्योरम होती है पाइथागोरस, ठीक है। चीजों को समझना अच्छे से, जैसे आप तो अभी ऐसे याद करोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर किसके, ए बी स्क्वायर के, ठीक है, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर बराबर ए बी, हमेशा याद रखना। मान लो आपके पास सीढ़ी स्टेयर, ठीक है, अब सीढ़ी है तो सीढ़ी को मान लो सीढ़ी को आप देखोगे तिरछा ऐसे लगाते हैं, तो ये हमारी एक तरीके से हाइपोटेनस में ही रखा जाता है, तो सबसे बड़ा होता है क्या, हाइपोटेनस, याद रखना सभी बच्चे अच्छे से, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ किसके लार्जेस्ट साइड, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा एक चीज और समझो, यहां से हम एक छोटी सी बात आपके सामने प्रूव कर देते हैं, समझो इस एच से भाग दे दो तो ये हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी बाई एच का होल स्क्वायर, चलो एक प्रूव कर रहे हैं, और ये हो गया वन, भाग दोगे तो जब p by h तो स्क्वायर ये हो गया ऊपर नीचे ये हो गया। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि साइन थीटा की वैल्यू थी p by h मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और b by h कॉस की वैल्यू थी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके वन के। बच्चा एक बात याद रखना, आज का जो सेशन है देखो जो हम लोग टेंथ क्लास में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में तो वहां हमें याद ही करना पड़ेगा, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा क्योंकि पहली बार पढ़ लो, पहली बार नाम जान लो, तो पेशेंस रखना पड़ेगा और धीरे धीरे नोट्स बनाओगे, उसी नोट्स को एक दो बार जब पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है और कैसे होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, चले तो पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आ गया, नया टॉपिक है इसीलिए मैं स्टार्टिंग इसी से करता हूं मैं, क्योंकि जो आपको आता है उसको शुरुआत में नहीं पढ़ाता हूं मैं, जो नहीं आता पहले वो सीखो तब आप आगे बढ़ोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको समझ में आए, चलिए अब थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज के हिसाब से हम थोड़ा सा बताते हैं आपको, ठीक है, कि चीजों को समझाते हैं।
किताब के हिसाब से थोड़ा समझो तो और समझ में आए। फिलहाल जो शुरुआत में बताया वही खेलना होता है, पर जब पहली बार पढ़ रहे होते तो हमें नाम ऐसे भी याद करने होते हैं। ये हाइपोटेनस है, ये एंगल ए है, साइड अपोजिट टू एंगल सी, और इसे बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, ठीक है। और इसको मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक एक बात को हमारे समझना, एक एक बात को समझना। इसी चीज को हम ऐसे भी लिखेंगे, यही वाला बना रहे डायग्राम, बस ऐसे करके लिख दे रहे। इसके सामने ये, तो इसे बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए, और इसे बोलेंगे हम लोग साइड एडजेसेंट, मतलब पड़ोस वाला, एक तरीके से एडजेसेंट टू एंगल ए। अब बातों को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा। पहले समझो, मैंने स्टार्टिंग में आपको कुछ ऐसा बताया था, पहले इस वाले को समझना फिर उस वाले को, कि अगर ये थीटा है ये 90, और फिर हमने पहला ये बताया था। अब पहले इन दोनों का अर्थ समझो, मैंने क्या कहा था, इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। इसको माइंड में रखना है, ये तो अपने आप सीख जाओगे। इसके सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। अब ये चीज आपको शुरुआत में सिखाई गई। अब यहां देखो, यहां हमने शब्द जो यूज किया है वो एंगल सी यूज किया है, और यहां पर भी एंगल सी यूज किया है। पहले समझो, यहां हमने शब्द यूज किया है एंगल ए और एंगल ए, मतलब इसमें ये वाला एंगल लेके बता रहे हैं और इसमें ये वाला एंगल। अब देखो, साइड अपोजिट टू एंगल सी, ये हमारे लिए परपेंडिकुलर हो गया। फिर क्या लिखा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेस हो गया। और दिस इज द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, समझो बच्चा, क्योंकि हमें किताबी लैंग्वेज भी समझना है, ठीक है। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तब ये सब चीजें हमारी हट जाएंगी। तो ये एंगल बी है, ठीक है। अब यहां वाले में आप ध्यान दीजिएगा कि हमें ए के अकॉर्डिंग देखना है, तो क्या लिखा है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो दिस इज द परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। अब बच्चा ध्यान रखना, ये किताबी लैंग्वेज है और इस पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा अभी के लिए, क्योंकि पहली बार समझ रहे हो। देखो, हम सभी लिख के दिखा देते हैं। जैसे मान लो साइन ए, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, साइन ए की वैल्यू मैं यहां लिखूंगा क्या, मैं यहां लिखूंगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पर आपको क्या ध्यान रखना है, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ए के अपोजिट वाला साइड हो गया, और फिर उसके बाद हाइपोटेनस, स्पेलिंग ऑलरेडी लिखी हुई है। जैसे कॉस ए, तो हम जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस तो क्या बोलेंगे, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए और अपॉन हाइपोटेनस। सपोज हमसे कोई कह रहा है टेन ए बताओ, तो टेन ए में क्या बोलेंगे, टेन ए में बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए और साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अब ये चीज तो आप समझ गए, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
मान लो बच्चा, मान लो इसी एंगल के साथ आपसे पूछने लगा, मतलब ये वाला डायग्राम से, तो कोई ये वाले से जब पूछेगा तो अगर हमसे कोई कह रहा है साइन सी, चलो ये हाँ ये साइन सी है, ये क्या है साइन सी, अब साइन सी बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है चीज समझ गए ना। अगर मैं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आ जाऊं, इस डायग्राम के, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो इन सब चीजों को हम बहुत अच्छे से सिखा देंगे। याद रखो कि पंडित बद्री प्रसाद भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले। नाउ ध्यान देना, ए टू जेड सारे के सारे बच्चों, इसको रफ किया जाता है। देखिए हमें ऐसा सीखना है कि हम बने एक्सपर्ट, ये नहीं कि सिर्फ टेंथ में काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब में लग जाएगी, अब ये नहीं कि आर्ट साइड में चल जाएगा तो बातें अलग है, वरना गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं लगेगी तब तक आपका ये काम आने वाला है, एसएससी के एग्जाम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझो। दोस्तों एक मेरी तरफ से सीख लो और इसे धीरे से याद कर लो, इसे बोलेंगे ट्रिपलेट्स। क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट्स। अब ट्रिपलेट्स क्या है, ये पाइथागोरस पे ही आधारित है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये दिस इज द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, नामकरण कुछ भी कर दो यहां ए बी सी एंगल। देखो ट्रिपलेट्स हमारा पाइथागोरस को फॉलो करता है। क्या दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग उनकी बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड। याद रखना प्रकाश भाई है, प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, लंब आधार कर्ण, राइट। अब चीजों को समझो, ट्रिपलेट्स कुछ वैल्यू है जिन्हें याद कर लू, जैसे पहला सिंपल सा तीन। अब तीन के साथ ट्रिपलेट्स क्या होता है, ट्रिक बेसिस समझो, तीन का स्क्वायर होता है नौ, नौ का आधा होता है साढ़े चार, और इससे पहले चार आता है और उसके बाद पांच आता है, तो एक ट्रिपलेट्स हो गया थ्री फोर फाइव। फिर से समझना मेरे प्यारे देशवासियों, सपोज पांच, तो फाइव का स्क्वायर कितना 25, 25 का हाफ 12.5, इससे पहले इंटीजर 12 आएगा उसके बाद इंटीजर 13 आएगा, मतलब 5, 12 और 13। अगेन इन अगेन अच्छे से समझना, कोई डाउट हो अपने ग्रुप में हमसे डिस्कस कीजिए और हमको बताइए सर यहां दिक्कत आ रही है। जैसे 7 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 7, 7 का 49 और इसका हाफ 24.5, इससे पहले इंटीजर 24 एंड उसके बाद इंटीजर 25। तो बच्चा समझ गए होगे कि नहीं, बोलो बोलो टेल टेल। चलिए ध्यान देना एक एक बात को, वंस अगेन रिपीट कर देते हैं। जैसे तीन के साथ ट्रिपलेट्स क्या होंगे, तो तीन के साथ जो ट्रिपलेट्स होते हैं, थ्री का स्क्वायर 9, 9 का हाफ 4.5, उससे पहले इंटीजर 4 और उसके बाद इंटीजर 5। नाउ कम टू द 5, तो 5 का स्क्वायर 25, जस्ट हाफ 12.5, इंटीजर 12 एंड नेक्स्ट वन 13, राइट। अब समझो और ऐसे मान लो 9 से 9 का पूछा जाए, तो 9 का स्क्वायर 81, जस्ट हाफ 40.5 और उससे पहले 40 एंड नेक्स्ट वन 41। ये चीज समझे। अब देखो जब आप अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा कि ये क्यों, ये आपकी किताब में अभी नहीं है 10th क्लास में, बट आप याद करोगे बहुत हेल्प मिलेगी और हम दोनों तरीके से कराएंगे तो मजा आ जाएगा। समझो इसका डबल 6, 8, 10, ये फेमस है मार्केट में, 9, 12, 15, मतलब इसका 3 times भी फेमस है, 4 times भी फेमस है, मतलब 4 times कर दोगे तो 12, 16 and 20। इसका 2 times फेमस है, 10, 24 and 26, ये ट्रिपलेट से नहीं याद करो। 7 का डबल ही फेमस है, 48 and 50, राइट। अब और समझो, ये भी हमारा ट्रिपलेट्स होता है, जैसे 20, 21 और 29। क्यों, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का 441, दोनों का सम 29 का स्क्वायर 29 का 841, राइट।
अब और समझो, जैसे हम इवन वाले की बात करें, इवन में फेमस है 8, 15, 17, बस इसी को समझो। जैसे इवन का हमें निकालना होता है 8 का स्क्वायर 64, या ऐसा कर लो 8 का हाफ 4, 4 का स्क्वायर 16, इससे पहले इंटीजर जो आएगा वो 15 आएगा, उसके बाद इंटीजर 17 आएगा। फिर से देखो, 6 है 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 से पहले इंटीजर 8 आएगा, उसके बाद इंटीजर 10 आएगा। जैसे 10 का हाफ 5, 5 का स्क्वायर 25, उससे पहले इंटीजर 24 और स्क्वायर 26। ठीक है, अब एक बात और समझो, ऐसा नहीं है ये इतने ट्रिपलेट्स तो बच्चा आपको याद करने हैं, ये तो याद करने हैं, और भी होते हैं धीरे धीरे करके सिखाएंगे, ये याद रखना, ये हमें याद करने हैं। तो याद कौन कौन से करने हैं, याद ये 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 और ये, 3, 4, 5 याद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस इतने अभी तैयार करने हैं, बाकी डे बाय डे आप सीख जाओगे। चले, तो यहां पर ये भी हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने जो चैप्टर है उसके एग्जाम्पल। सर एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं, देखो सीधी सी बात है, किसी के बारे में आप कैसे जानते हो, मान लो आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो, रिस्पेक्ट क्या, जैसे मान लो कहीं गए और पूछने पहले क्या पूछते हो, भैया करते क्या हो, कि उसको कितनी इज्जत और कितना रिस्पेक्ट देना है, उसने कह दिया भैया हम डीएम है तो उसी हिसाब से बात करोगे। तो वही चीज हमारा क्या है, इस चैप्टर को जानने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ये कहां से सीखोगे, ये एग्जाम्पल से सीखोगे, तो ध्यान देना एग्जाम्पल को, उसके बाद एक्सरसाइज भी बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 दिखेगा आपको क्वेश्चन, कह रहा है गिवेन 10 इज इक्वल टू 4 बाई 3, कह रहा फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए, मतलब अदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करनी है ऑफ द एंगल ए, मतलब हमको ये गिवन है, बस इतना दिया गया है और सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 सामने दिख रहा है, अच्छा पता क्या करना है, 10 दिया गया तो हमें साइन निकालना होगा, कॉस निकालना होगा, साइन का अपोजिट कॉसिक निकालना होगा, और कॉस का अपोजिट सेक निकालना होगा, और 10 का अपोजिट कॉट निकालना होगा। बच्चा एक एक चीज बहुत अच्छे से सिखाया जाएगा, बस इसको पहले आप लिख लो। देखो याद रहे कि आपको बार बार लिखना है तभी ये याद हो पाएंगे, अन्यथा नहीं याद हो पाएंगे। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं या रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। देखो पहले हम आपको सिखाते हैं शॉर्टकट मेथड, उसके बाद सीधे सिखाते हैं लॉन्ग कट, समझो कि आपको कैसे करना है। पहले शॉर्टकट समझो, शॉर्टकट क्या है कि पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, इसने यहां पर ये एंगल ए बोला है तो ये एंगल ए मान लो, तो ये एंगल ए हो गया, तो बाकी कहीं पर भी कुछ भी चिपका दो, समझे। अब 10 इज इक्वल टू 4 बाई 3, तो 4 बाई 3 तो 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बोलो हां परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 4 बाई 3, राइट। इसके बाद बच्चा ध्यान देना है कि आपको मालूम है कि ट्रिपलेट्स होता है कौन सा, 3, 4, 5 सीधे, पर अगर आप क्लास में कर रहे हो तो फिर ऐसे करके दिखा देना, यहां पर एक अलग से लिख देना कि सर एबी का स्क्वायर बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का स्क्वायर, ये तो हमने अभी ट्रिपलेट सीख लिया तो हमें याद है कि 3, 4, 5 होता है, जय माता दी, इससे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, और पेपर में आपको यही करना जो अभी कराएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो एबी का स्क्वायर तो ऐसे लिख दो सर 3 का स्क्वायर, बीसी 4 का स्क्वायर, और अभी ऐसे एसी सजा के लिखना, फिर लिख देना ये 9 होता है ये 16 तो ये 25 हो गया एसी का स्क्वायर, तो भैया एसी बराबर किसके, 5 के। इतना करने के बाद बिल्कुल क्लास नोट्स बताएंगे, इतना करने के बाद यहां पर लिख देना पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस, एच फॉर हाइपोटेनस। अब देखो जब हम शुरुआत में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर हम साइड में लिख लेंगे, क्योंकि हमें याद कहां रहता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले,
और सोना चांदी तोले, इतना साइड में लिख लिया तो फिर हमने देखा साइन ए पी अपॉन एच, ऐसे लिख देना कॉस ए बी अपॉन एच, साइन का अपोजिट एच अपॉन पी, सेक का अपोजिट एच अपॉन बी और कॉट का अपोजिट बी अपॉन पी, बोलो हाँ। अब बच्चा रखना है, रखने की कला या तो यह याद हो या ना याद हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि साइन में ये अपॉन ये सीधे चार बड़ा पांच, कॉस में तीन बड़ा पांच, तीन बड़ा पांच समझ गए ना, टेन में चार बड़ा तीन जो कि दिया ही गया है, कॉसेक में तो साइन का अपोजिट कॉसेक पांच बड़ा चार, सेक का अपोजिट तो पांच बड़ा तीन और टेन होता है कॉट का जो कि तीन बटा चार। तो ये मेथड से आपको क्वेश्चन लगाना है, 100% पूरे मार्क्स इसमें मिलेंगे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, ठीक है, कि आपको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है और पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करने। ठीक है, पूरे के पूरे नंबर प्राप्त करने, तो ये प्रोसेस हो गया। अब चलो दूसरा तरीका सीखो, थोड़ा सा किताबी तरीका भी अभी अभ्यास में डालेंगे और मजा लेंगे, किताबी मेथड से भी सीखेंगे, ठीक है। देखिए नंबर इससे भी पूरे मिलेंगे, अब किताबी मेथड आपके पास टाइम है चलो तो भी सीखा जाता है। देखो फिर कैसे सीखते हैं समझो, इसी क्वेश्चन को फिर से देखो क्योंकि हमें कई बार सीखना होता है, पहली बार जब कर रहे होते हैं। ये एंगल ए तो ये ए ऐसे लिख लो, बी और सी कहीं पर चिपका दो, उसके बाद आप देखो हमसे कह रहा है टेन ए, तो टेन ए हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीधे दिस इज अ परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू आ फोर और ये बेस थ्री के हाइपोटेनस निकालना है। जैसे अभी क्या था तो पहले ऐसे लिखो ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। अच्छा एक बात ध्यान देना, हमें बचपन से बताया गया कि अगर रेशियो लिखा है तो हम वेरिएबल करके यूज करें कि p की वैल्यू फिर 4k हो गया, b की वैल्यू 3k हो गया, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि p है तो फिर 4k फिर ये 3k, अब ये सॉल्व कर रहे हो तो यहां रखोगे p का मतलब ab का स्क्वायर, तो ab का स्क्वायर 3k दैट मींस 9k स्क्वायर, bc का स्क्वायर 4k 16k स्क्वायर और AC का स्क्वायर जो कि क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर, राइट। तो यहां से हाइपोटेनस निकाल लोगे सॉल्व करके 16 9 25 स्क्वायर रूट ले लोगे तो 5k आ जाएगा, ये कितना आ गया 5k। अब वहीं से वैल्यू जब रखोगे तो साइन ए कैसे रखोगे, साइन ए ऐसे सजा के BC अपॉन AC के, अब BC क्या है, BC वही है, आप चाहे जैसे लिखो BC मतलब 4k हाइपोटेनस 5k के से k काटो 4 बटा 5। तो ये सजाने के लिए, ये क्या सजाने के लिए, पहले याद रखना जब हम शुरुआत में पहली बार सीखते हैं तब हम ऐसा यूज करते हैं, पर जब हम पेपर में करेंगे जो हमने पहला मेथड किया है आपको उसी से करना है, ये सारे बच्चे याद रखना, ठीक है। जब जिंदगी में पहली बार सीख रहे हैं तो हमें मालूम होना चाहिए ये कौन सी भुजा ले रहे हैं ये कौन सी ले रहे हैं, तो फिर लिखवाया जाता है। जैसे कॉस ए तो कॉस में बेस क्या है एबी, हाइपोटेनस क्या है एसी है, तो एबी की वैल्यू 3k है मतलब के से के कट जाएगा और 3 अपॉन 5। जैसे कॉसिक तो फिर अब यहां लिखना होगा कॉसिक की वैल्यू होती है 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए क्योंकि हमने बताया था कि साइन ए इंटू कॉसिक ए इज इक्वल टू किसके 1k। अरे बोलो हां, तो देखा जाए तो साइन की वैल्यू 4 बाई 5 है तो ये क्या हो जाएगा 5 बाई 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद sec a लोगे तो sec a क्या लिखोगे 1 बाई cos a क्योंकि दोनों का इंटू तो 1 होता है, तो रिवर्स क्या हो जाएगा 5 बाई 3 और उसके बाद बच्चा cot a 1 बाई 10 a और 10 a की वैल्यू क्या है 4 बाई 3 तो ये क्या हो जाएगा 3 बाई 4, राइट। तो इस मेथड से आपको पहला क्वेश्चन ट्राई करना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, धीरे धीरे करके सीखेंगे तब जानेंगे। तो इसको पेन चलाना है कॉपी में और उससे करना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये किताबी सॉल्यूशन है, आप जब किताब खोलोगे गलती से
तो जरूर दिखेगा, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक डेरिवेशन आ गया है, कह रहा है इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मैं लिख देता हूं, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल such that साइन B इज इक्वल टू साइन Q, फिर कह रहा देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के। देखो एक बात याद रखना, ये हम कैसे जानेंगे कि इसको ट्रिग्नोमेट्री से करना है कि ज्योमेट्री से, तो ये दोनों से हो जाता है। इन फ्यूचर जब पढ़ोगे भविष्य में तब दोनों से करेंगे, बट अभी हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 10th क्लास में क्या होगा, साइन बी साइन क्यू देखते ही हम समझ जाएंगे कि इसे हम ट्रिग्नोमेट्री से ही प्रूव करेंगे। पहले समझो, पहले आप नॉलेज का पार्ट समझो। नॉलेज का पार्ट में क्या, आप अच्छे जानते हो सिमिलरिटी। क्या सिमिलरिटी, पहले सिमिलरिटी समझो। सिमिलरिटी क्या होती है बच्चा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है, ध्यान देना। जैसे ये दो ट्रायंगल, इसका नाम एबीसी लिख दे रहा हूं, इसका पीक्यूआर लिख दे रहा हूं। सिमिलरिटी देखा जाए, अगर ये एंगल अल्फा है ये अल्फा बोल दिया गया, ये बीटा है तो ये बीटा बोल दिया गया। अब देखो दो ट्रायंगल है और उसके दो एंगल सेम है, दो ट्रायंगल है दो एंगल सेम है, तो बाय डिफॉल्ट तीसरा भी सेम होगा। मतलब ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट प्रूव कर देंगे कि ये बराबर इसके होता है। ये थी हमारी बचपन की यादें, इसको रब करते हैं, मतलब 9th क्लास समझ। ये तो सिमिलरिटी मेथड हो गया। अब इसको यहां समझना है, कह रहा है इफ एंगल बी, तो पहले देखो ऐसे करो एंगल बी इसे घोषित करो, एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल, तो एक्यूट आप समझी गए थे, हमने शुरुआत में ही लिखवा दिया था कि एक्यूट वाले यहां रहेंगे, राइट। अब बी देखा तो एबीसी, बी तो एबीसी लिख लो, ए बी सी, क्यू तो पी क्यू आर, पी क्यू आर लिख लो। अच्छा आप एक बात सुनो, डायरेक्ट अगर हमें निकालना होता कि भाई हमें तो नंबर चाहिए तो सॉल्व करना है, वरना देखो दो एंगल्स, दोनों एंगल्स इसके सेम हो गए। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स सेम हो गए, क्योंकि ये इसके बराबर, ये बोल ही रहा है कि ये इसके बराबर है, तो बाय डिफॉल्ट ये इसके हो जाएगा। पर हमें तो क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बच्चा सोचो कैसे करेंगे सर, किस हिसाब से करेंगे। तो इसको देखो, देखो हमें तो ये प्रूव करना है, तो इसको अलग छोड़ दो कि भैया आप चलो इसको प्रूव करेंगे, ज्ञान यहां से बटेगा। साइन बी, यहां देखो साइन बी की वैल्यू, दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज द हाइपोटेनस। तो यहां हमें गिवेन है, गिवेन साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, राइट। अगर मैं इस ट्रायंगल में बात करूं तो साइन बी परपेंडिकुलर हमारा एसी हो जाएगा और हाइपोटेनस एबी हो जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा पी आर अपॉन पी क्यू। बोलो हाँ, ये हो गया, क्योंकि ये गिवेन है उसके अकॉर्डिंग हमने ये ले लिया। अब इसको के फॉर कांस्टेंट, के फॉर कांस्टेंट, के बराबर मान लिया। ऐसा करने के बाद आप चाहो तो ऐसे खेल लो, जैसे चाहो वैसे आप खेल सकते हो और समझ सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम इसको मान लो, अभी हम के नहीं लिख सकते, चलो अगर हम इसकी जगह ये लिख दें, इसकी जगह यहां लिख देता हूं कि एसी अपॉन पी आर, एसी अपॉन, भाई ये इंटरचेंज कर देते हैं, बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। चलो अब हमने इसको मान लिया क्या कि ये हमने लेट कर लिया। ऐसा करते ही बच्चा चीजों को समझना,
कि जो एसी की वैल्यू आ गई वो के पीआर की आ गई और जो एबी की वैल्यू आ गई वो किसके आ गई के पीक्यू के आ गई। ये चीज आ गया। चलो अब देखो हमने किया क्या है समझो, एसी एसी अपॉन पीआर, एसी अपॉन पीआर तो फिर क्या लिखा है एबी अपॉन पीक्यू। तो अब हम जो प्रूव करेंगे वो बीसी अपॉन आर क्यू को करेंगे। तो ये क्वेश्चन रब करते हैं, समझना एक एक चीज को। तो अब हम इसके आगे का स्टेप क्या करते हैं, रिपीट भी कर दूंगा। तो आगे हम लोग करेंगे क्या, बीसी अपॉन आर क्यू। अब बीसी अपॉन आर क्यू क्या होगा, पाइथागोरस। पाइथागोरस से दो छोटी भुजाओं के वर्गों को योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। मतलब अगर इसमें हम सेटिंग देखें तो एसी बीसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर। तो आप खुद देखो, बीसी का स्क्वायर एबी का स्क्वायर माइनस एसी का स्क्वायर, और बीसी की वैल्यू अंडर रूट एबी स्क्वायर और एसी स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया। तो ये चीज हम यहां डायरेक्ट लिखेंगे बच्चा, और जब आगे इसकी चैप्टर पढ़ोगे तो डायरेक्ट ही लिखा करोगे। पहली बार कर रहे हो तो इसलिए ये सब इतना बड़ा लिखवाएंगे। जिसे आर क्यू की वैल्यू, किसकी वैल्यू, आर क्यू की वैल्यू। तो आर क्यू की वैल्यू भी आप देख सकते हो बड़े प्यार से, ये वैल्यू है। तो दिस वैल्यू का स्क्वायर, दैट मींस पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ये हो जाए। अब क्या करो, क्योंकि हमें ये डेरिवेशन है हमारे लिए, तो ये चीज और ये चीज से रिप्लेस कर दो, किसको, एसी और एबी को। तो इसको अंदर भेज दिया, एबी एबी की वैल्यू के स्क्वायर पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस एसी की वैल्यू के स्क्वायर पी आर का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो पी क्यू, पी क्यू क्या है हमारा, तो पी क्यू तो हमारा वही है क्योंकि इसमें तो कुछ करने की होती नहीं थी, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ऊपर से के कॉमन ले लो, के कॉमन लोगे तो के बाहर आ गया, अंडर रूट में आएगा पी क्यू स्क्वायर पी आर का स्क्वायर, और अंडर रूट में पी क्यू स्क्वायर पी आर का स्क्वायर। अब देखो न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर सेम, ये दोनों सेम है, इनका हैप्पी बर्थडे। मतलब ये भी वैल्यू किसके बराबर आ गई, के के। मतलब एसी अपॉन पी आर भी के, एबी अपॉन पी क्यू के, और के की वैल्यू बीसी अपॉन आर क्यू के भी आ गई। तो बीसी अपॉन आर क्यू ऐसे एक लाइन और बढ़ा देना और बस हो गया हमारा प्रूफ। तो ऐसा करते ही ये मालूम चल गया कि बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्या है, सिमिलर। जब बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर दैट्स व्हाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्या, क्यू। तो उसके बाद आपको बस ये लिख देना है अंतिम लाइन, यहां पर मैं लिख देता हूं अंतिम लाइन में आपको ये कहना है कि ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर किसके, ट्रायंगल पी आर क्यू के। देखो याद रखना ये सेम थे तो हमने यहां से लिया, ये तो फिर यही से लोगे ऐसे, ये सिमिलर हो गए। तो hence proved ऐसे hence proved, क्योंकि both triangles are similar, hence proved angle B बराबर किसके, angle Q के, और as well as आप ये भी लिख सकते हो कि angle A बराबर angle P के। तो ये हो गया इसका derivation proper way में, ठीक है। चलो एक बार तेजी से इसको repeat करते हैं, जिससे आप 2G 3G हो तो direct 4G version में convert हो जाओ। समझो बच्चा, Once again, हमें गिवन था कि साइन बी बराबर साइन क्यू के। बोलो हाँ, साइन बी, तो यहां से साइन बी की वैल्यू निकालोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एसी अपॉन एबी, और साइन क्यू निकालोगे तो पी आर अपॉन साइन क्यू पी आर अपॉन पी क्यू। उसके बाद हमने क्या किया, या तो सिमिलरिटी का प्रोसेस लगाते, तो यहां से आएगा एसी अपॉन पी आर, इसको इंटरचेंज कर दिया, एसी अपॉन पी आर एबी अपॉन पी क्यू, इसको हमने के बराबर मान लिया। ये लाल वाला अभी भूल जाओ, जब हमने इसको के बराबर मान लिया तो एसी की वैल्यू पी आर इंटू के, तो के इंटू पी आर, एबी वैल्यू के पी क्यू के। अब ये भुजा के साथ हमें खेलना है,
ये भुजा के साथ खेलना है तो BC अपॉन RQ, पाइथागोरस लगाया था अभी देखा था, तो AB का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, PQ स्क्वायर माइनस PR, और यहां पर हमने यहां वैल्यू रख दी और कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद हैंस प्रूफ। चलिए एक बात सारे हमारे बच्चों को फिर से बताता हूं जिससे आप अभ्यास करें और मजा आ जाए, समझो। ये शुरुआत में थोड़ा सा आपको लगेगा कि बड़ा क्या लिखे पड़े हैं, फर्जी चीजें होती हैं, समझो। ये ट्रायंगल, ये एंगल थीटा, दिस इज द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है? अंडर रूट, इन दोनों साइड के वर्गों का योग, देखो ऐसे। और बेस क्या होता है? बेस हाइपोटेनस मतलब एच स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर, क्योंकि तीनों ही मिलेंगे। और ये निकालना है क्योंकि पाइथागोरस से ही करते हैं हम लोग, तो पी के वैल्यू हाइपोटेनस माइनस बेस, ये होता है। अब अगर नामकरण हो ए बी सी से, तो फिर देखो कि हमका एसी का स्क्वायर चाहिए, तो एसी का स्क्वायर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। अगर हमें बीसी का स्क्वायर चाहिए तो बड़ा कौन है? एसी के स्क्वायर में उसके बाद जो भी भाई हो उसको घटा दो, ए बी का स्क्वायर। अगर हमें ए बी का स्क्वायर चाहिए तो सबसे बड़ा कौन है? एसी, उसके बाद जो बचे उसको घटा दो, कौन बचा? बीसी। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? तो ऐसे इसका अभ्यास करना है, बार बार करना है, आपसे पूछा भी जाएगा, ये बात भी ध्यान देना, बहुत जल्दी पूछा जाएगा। ठीक है, इतने ऑप्शंस बना देंगे जिससे हम आपसे डायरेक्ट मिल सके, जूम ऐप के थ्रू भी मिल सके आपसे, जिससे हम आपसे पूछें कि कैसे आप करोगे सॉल्व, समझ गए? चलिए, तो ये दूसरा था। चलिए तीसरा क्वेश्चन दिखाया जाए भाई। एग्जाम्पल नंबर 3, कह रहा है कंसीडर ट्रायंगल ए सी बी राइट एंगल एट सी। अच्छा, यहां डायग्राम गिवेन है, वो खुद ही बोला है, अगर ना दिया था तब भी हम बनाएंगे, हम बिना डायग्राम के खेलेंगे, मतलब इनका डायग्राम नहीं देखेंगे तो ही बनाएंगे। कंसीडर अ ट्रायंगल ए सी बी, राइट एंगल कहां है? सी में है, तो राइट एंगल सी में, इन विच जिसमें ए बी बराबर 29, तो ये सी है, तो उसके बाद ए बी सी, उसके बाद कह रहा है ए बी बराबर 29, राइट, बी सी 21, और ए बी सी दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, ऑलरेडी गिवेन है सी इन दैट ना। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। पहला हमसे पूछा गया कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। नेक्स्ट वन पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ अकॉर्डिंग टू द दिस वन। एक 100% ट्रू वाली बात समझो, आज ही हमने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, चाहे कुछ भी हो 100% ये 1 ही होगा। क्या होगा? 1। तो ये क्वेश्चन देता या कुछ भी ना देता, हम यहां सीधे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये यूनिवर्सल ट्रू है, धीरे धीरे करके आप जान जाएंगे। ठीक है, कुछ भी देगा तो भी ये 1 ही होगा, पर अभी तो हमें इन वैल्यू के हिसाब से करना है, तो पहला तो ये समझो, तो सीधे हम डायरेक्ट आंसर मतलब ओवरऑल बता सकते हैं भैया 1 है, एक बच्चा लगा हुआ है तो हमको तो पहले आंसर मालूम चल गया। अब ये नहीं कि हम 1 है पेपर में मार के चले आए, ऑब्जेक्टिव होगा तो बहुत खुशी मिलेगी कि ऑब्जेक्टिव पेपर है। ठीक है, कहीं हमें सॉल्व करने में आया तो हमें करेंगे। दूसरी बात समझो बच्चा, दूसरी बात क्या है कि हमने 29-21 को देखा तो ये भुजा 20 होगा। सर कैसे? थोड़ी देर पहले हमने ट्रिपलेट्स बताया था कि 20-21-29, तो फिर बच्चा डायरेक्ट यहां 20 लिखोगे। मेरी बात सुनो, कभी गलत नहीं होगा, क्यों? अच्छा ये बताओ, हमें पहले से आंसर मालूम है, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो बाद में हम हैंस प्रूव्ड करके वही कर देते हैं ना, तो हमें पहले से मालूम चल गया क्योंकि हमारा अभ्यास ऐसा है कि हमें डायरेक्ट मालूम है कि एसी की वैल्यू 20 होगी, क्या होगी? 20 होगी। चलो अब हम करेंगे किताबी मेथड कि हमें पेपर में कैसे करना है। तो हमें सब मालूम है कि ये 20 होगा, ये 21 होगा, ये 29 होगा, ये 1 होगा, बस इसको सॉल्व करना है, बस खत्म बात, जय हिंद जय भारत। पर पेपर में लिखने वाला हुआ तो फिर कैसे? लाइव देखिए, तो पहले हम निकालेंगे एसी,
तो हम जानते हैं कि AC का स्क्वायर इस भुजा, तो बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर माइनस उसके बाद छुटकू BC का स्क्वायर, बोलो हाँ। पाइथागोरस, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू स्मॉलर साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, क्लियर। अब सुनो, अब AB, तो भैया ये 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर, सजा सजा के लिखो। इसको भी आप दो तरीके से करो, अगर आप चाहते हो जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप जानते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आप इन दोनों को घटाओ तो 8 आया, और जोड़ोगे तो 50 आया, और ये 400 हो गया। तो AC का स्क्वायर, तो AC बराबर 20 के, क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बच्चा, 20 का स्क्वायर। तो ये ऐसे निकाल लो, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे निकाल लो, या इसको हटाओ। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आप अच्छे जानते हो कि 29 का स्क्वायर होता है 841, 21 का स्क्वायर होता है 441, 29 का 841 और 21 का 441 is equal to 400, that means 20 का स्क्वायर which is equal to AC का स्क्वायर, और AC बराबर किसके, 20 के। ये बात समझ में आ गई, तो पहले जब आप करोगे पहली बार तो आपको बच्चा ऐसे ही करना है, कैसे, ऐसे ही करना है। तो इसको लिख लोगे आप आराम से, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इतना हमें क्वेश्चन करा है ना, तो ये तो हमने आपको डायरेक्ट बता दिया बच्चा ये 20 आएगा। अब cos स्क्वायर थीटा, तो आप यहां ऐसे लिखना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करना है तो थीटा के सामने दिस इज अ परपेंडिकुलर, ये लिख देना बेस हाइपोटेनस, तो cos स्क्वायर थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, ऐसे लिखो, और sin स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब वैल्यू रखो, 20 का स्क्वायर मैं सीधे थोड़ा सा लिख रहा हूं ना, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, एच स्क्वायर 29 841, पी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 और 841, इसको सम करोगे तो 841 अपॉन 841 1 आएगा। दुनिया की कोई भी वैल्यू यहां अगर इसको फॉलो कर रही है, हमेशा इसका आंसर 1 ही आना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दुनिया की कोई भी वैल्यू हो। तो ये पहला हो गया, ठीक है। सेकंड वन सीखो, सेकंड वन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यू नो वेरी वेल, बस यहां पर माइनस साइन लगना है, बेस अप, मतलब समझ गए ना क्या लगना है, माइनस का साइन, सब कुछ यही बस माइनस, इसको देखते हुए चिपका दो पूरा तेजी से, और व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस 41 अपॉन 841। तो ये प्रोसेस से आपको पेपर में क्वेश्चन करना है, राइट, ठीक है। चलो, तो दिस इज द एग्जांपल नंबर आई थिंक सो थर्ड, हाँ थर्ड वन है, इसको रफ करते हैं। एग्जांपल तो आपके सामने सॉल्यूशन वैसे भी रखे होते हैं, पर आपको सीखना है तभी आप बढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं, ठीक है। क्योंकि पहली बार जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं बच्चे तो वो 2G ही होते हैं, 3G 4G धीरे धीरे याद करने से होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, कह रहे हैं इन ए राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, देखो एक समकोण त्रिभुज ऑलरेडी बोला है दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, फिर उसने बोला राइट एंगल एट कहां पर, बी पर, उसके बाद अपने मन से कहीं पर भी लिख दो, चाहो तो सी यहां लिख दो, चाहो तो यहां लिख दो, जहां श्रद्धा, मान लो हमने ये बी लिखा है, हम ये ए करके सी लिख देंगे, आपकी इच्छा है सर हम नहीं मानेंगे चाहे जो हो जाए, तो आप क्या करो, यहां बी लिख दो, यहां सी लिख दो, यहां ए लिख दो, किताबी कैलकुलेशन कर लो। फिर हमसे कह रहा है इफ टेन इज इक्वल टू, टेन इज इक्वल टू 1 राइट, देन वेरीफाई दैट, मतलब एक तरीके से वेरीफाई करना है 2 साइन ए कॉस ए बराबर किसके, 1 के। ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन है, मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, किताबी मेथड ये वाला लेके हम इससे सिखाएंगे, दोनों सिखाते हैं, समझो। अगर यहां देखो बच्चा ए ए ए,
तो ये एंगल ए है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। नाउ यहां देखो ये ए है, तो इसके अकॉर्डिंग दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस। अब समझना, यहां पर जब टेन ही लिख दिया है कि वन, तो ये जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, चाहे इसमें करो चाहे इसमें, कोई इफेक्ट नहीं। देखो वन का मतलब वन बाई वन, तो यहां से बेस वन आ गया, परपेंडिकुलर वन, पाइथागोरस लगाओगे तो यहां ऐसे वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, दिस इज द हाइपोटेनस रूट टू, सेम एज इट इज, दिस इज द रूट टू, वन एंड वन, हमें कोई तकलीफ नहीं, वेरीफाई करना है। तो देखो मान लो हम इस फिगर के हिसाब से, पहले समझना, हम दो फिगर के हिसाब से बता रहे हैं, मान लो इस फिगर के हिसाब से लिखें तो ऐसे लिख देते हैं टू साइन ए, ये सिर्फ आपके लिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी वन वन है तो कोई इफेक्ट नहीं, हेड भी हमारा टेल भी हमारा, तो हमें इसमें अंतर नहीं समझ में आएगा। अंतर कैसे समझ में आएगा देखना, लाइव लाइव हमारे साथ टू साइन ए, ये ए है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी इंटू कॉस ए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज द ए बी और हाइपोटेनस ए सी, यहां से समझ में आएगा। बस अब वैल्यू दो, बी सी अपॉन ए सी वन अपॉन रूट टू और वन अपॉन रूट टू, कैलकुलेट किया वन, क्योंकि इसका इंटू करोगे तो टू इंटू डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू वन। अब यहां पर अगर हमें वही चीज शो करना है तो अब यहां देखना टू साइन ए कॉस ए, अंतर है बच्चा समझना, इसके सामने दिस इज द परपेंडिकुलर, टू इंटू बी सी अपॉन हाइपोटेनस ए सी कॉस ए, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी, बस कैलकुलेट कर लो टू, सेम वही वन बाई रूट टू, वन बाई रूट टू इज इक्वल टू वन। तो हमने इसको दो बार प्रूव कर दिया, आप चाहे जैसे लो बट सीखना चाहिए, क्यों, बिना अभ्यास के बच्चा कुछ नहीं होगा, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होगा, ठीक है, बात को समझो। तो ये चीज सीख गए होगे, चलो इसको रब करते हैं, नोट्स मुझे चाहिए आपके, मैं देखूंगा नोट्स कि आपने अपनी कॉपी में ये सब लिखा है कि नहीं लिखा, सबसे बड़ा मुद्दा, और तभी डिस्कशन हो पाएगा अन्यथा नहीं हो पाएगा, समझ गए मेरी बात। तो नोट्स जरूर देखे जाएंगे और उसके बाद ही मालूम चलेगा कि आंसर क्या है। समझो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाया जाए, कह रहे इन ए ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, ये एक ट्रायंगल है और राइट एंगल कहां है, पी पर, OP is equal to 7 already given है, OP is equal to 7 OQ minus PQ is equal to 1 determine the value of sin Q and cos Q, sin Q और cos Q की value चाहिए। अच्छा तो बच्चा right angle OPQ हमें क्यों चाहिए ना, तो इसको क्यों कर लो, तो इसको वो कर लो ओ पी क्यू, क्योंकि ज्यादातर हमें ये परपेंडिकुलर अच्छा लगता है ना, इसलिए ठीक है। बाकी तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू चाहिए, राइट। देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत अच्छी चीज बताता हूं, पहले इसको डायरेक्ट सिखाता हूं, जैसे कंपटीशन में बच्चा करेगा तो वो क्या करेगा, कहेगा फर्जी क्वेश्चन है, क्यों, जब उसने सात देखा तो उसको ट्रिपलेट्स याद आ गया, सात चौबीस पच्चीस, कौन सा याद आ गया, सात चौबीस पच्चीस, ठीक है, और सात चौबीस पच्चीस याद आ गया तो ये सात तो ये चौबीस ये पच्चीस और इनका अंतर एक ये होता है, इनका अंतर एक ये होता है। अब साइन क्यों, तो दिस इज द परपेंडिकुलर हाइपोटेनस सीधे चौबड़ा पच्चीस, कॉस क्यों सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव हो गया, ट्वेंटी फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव एंड सेवन अपॉन ट्वेंटी फाइव हो गया। तो ये कंपटीशन वाले बच्चे करेंगे, अब आपको तो नंबर चाहिए तो आप ऐसे करके आओगे तो नंबर दे देगा जीरो, हां अगर ऑब्जेक्टिव है तो फिर वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आपको ऐसे ही सीखना चाहिए। अब देखो हम कैसे करेंगे,
हम सजाएंगे। हमें ये भी एक बात याद रखना, हमें मालूम है कि यहाँ 24-25 आएगा, फिर भी हम उससे कहेंगे भैया हमको नहीं मालूम है, क्या हम तो करके दिखाएंगे। सर कैसे करेंगे? तो देखो PQ को कहाँ गया, अच्छा एक सेकेंड, PQ किसकी वैल्यू से आवेदन दी, PO की दी है कि P, उससे फर्क नहीं पड़ता, आगे पीछे उस टाइम O लिखा था, तो दिस इज द 7 राइट, उससे फर्क नहीं है भाई, 24-25 इधर करके तो फिर ये आंसर बदल जाएंगे। तो पहले जो हमने आपको बताया था वो इसके अकॉर्डिंग बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम करेंगे कैसे, ठीक है, पहले मैंने यहां PQ लिख दिया था, पर यहां होगा तो आंसर में अपने चेंज कर लेना जो शॉर्टकट बताया था, चलो फिर से उसको रिपीट कर देते हैं शॉर्टकट वाले को, कि ये 7 24 25 तो परपेंडिकुलर 7/25 ये हो जाएगा और 24/25 ये हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम यहां लिख दिया था उसके अकॉर्डिंग वो सही था, इस टाइम यहां लिख दिया तो उसके अकॉर्डिंग सही है, ठीक है। चल ध्यान देना, अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हमें 7 गिवेन है और PQ को मान लो क्या x, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू x, तो OQ क्या हो जाएगा, तो OQ हो जाएगा 1 + x, 1 + x, बोलो हाँ। अब आप क्या लगाओगे बच्चा, पाइथागोरस, सीधे बताओगे कि OP का स्क्वायर PQ का स्क्वायर बराबर OQ के स्क्वायर के होगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। फिर OP, सर OP की वैल्यू 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 49, PQ दिस इज द x स्क्वायर, OQ 1 + x का होल स्क्वायर। बच्चा आप जानते होगे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, बोलो हाँ, और दिस इज द 49 एंड x स्क्वायर। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 49 में से 1 गया, 48/2 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल 24, तो जब x हमारा 24 आ गया तो आप देखो ये 24 हो गया, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 25। अब उसके बाद हमसे कह रहा है कि बेटा साइन q बता दो और cos q बता दो, समझना साइन q, तो आप यहां इसके अकॉर्डिंग लिख दोगे दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस एंड दिस इज द हाइपोटेनस, तो साइन q की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 7/25, और cos q की वैल्यू जो हो जाएगी cos q 24/25, ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चा ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, यहां से आपके सारे के सारे एग्जाम्पल कवर हो गए, ठीक है, ऐसा हमें लग रहा है। देखिए 5 के बाद और तो कोई एग्जाम्पल नहीं है, हाँ 5 एग्जाम्पल थे, 5 हमने कवर करा दिए। अब बात आती है बच्चा एक्सरसाइज की, पूरी एक्सरसाइज अभी का अभी कराया जाएगा, तो ये क्लियर है। पूरी एक्सरसाइज, ठीक है, वीडियो भले 2 घंटे का हो जाए उससे ले देना नहीं है, हमें सीखना है, पेशेंस रखना है और सीखना है। पहला क्वेश्चन दिखाया जाए, कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 8.1, एक्सरसाइज नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 1, कह रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ठीक है एक ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल कहां है डी पर, बाकी आप कहीं पर चिपका देना, पर याद रहे देखो हमसे कह रहा है साइन ए, देखो यहां पर ए ये सी लगा दो, ठीक है एबी की वैल्यू गिवन है 24, बीसी 7, 7, 24, 25 डायरेक्ट हमें याद है पर हम करेंगे, ठीक है, और हमें चाहिए साइन, दूसरा इसी में चाहिए कॉस,
तीसरा इसी में चाहिए, यहां लिख दे रहा हूं, तीसरा साइन सी भी चाहिए और इसी के अंदर कॉस सी भी चाहिए। ये सारे हम निकालेंगे और प्यार से देखो बच्चा, आपको जैसे हमने तैयार किया बस वैसे ही तैयारी करना है। आप क्या करोगे कि पहले इसमें पाइथागोरस लगा दोगे, दिस इज द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द दिस वन, इसके अकॉर्डिंग बेस और ये हाइपोटेनस। अभी एंगल ए के हिसाब से ले रहे हैं तो वी नो वेरी वेल कि परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो 7 का स्क्वायर हम भले जानते हैं कि 25 आएगा, पर 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये वैल्यू का जब सम करोगे 625, तो h इज इक्वल टू 25, ये 25 आ गया। ठीक है, अब देखो यहां पर जिसे साइन बताओगे तो कैसे बताओगे साइन, अपने पेपर में इसके हिसाब से साइन बताओगे, दिस इज द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस वन, तो यहां BC लिखना, BC अपॉन AC, द वैल्यू ऑफ BC 7 और AC 25 हो गया। कॉस से बताओगे तो बेस क्या है, AB अपॉन हाइपोटेनस AC है, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप बताओगे बच्चा तो 24 अपॉन 25। अब देखो अगर हमने एग्जाम्पल में मेहनत किया था ना तो ये क्वेश्चन हमारे लिए अब आसान है। अब ये बेस नहीं रहा, इसको P और H हटा दो, ऐसे हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे पहले लिखा था अब हटा दो, अब चलो ऐसे भी हटा दो या शुरुआत में ही हटा देते, नहीं लिखते। अब देखो दिमाग लगाना, हमसे साइन C बोला गया है तो साइन C के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर बोलो हां, तो ये AB हो जाएगा, इस एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर मैंने पहले लिखवाया और हाइपोटेनस AC, तो ये हो गया 24 अपॉन 25, राइट। अब cos C चाहिए तो एडजेसेंट बिल्कुल बता रखा है आपको, cos C में इसका एंगल C का एडजेसेंट वाला, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, BC अपॉन AC और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC 7 और AC 25। ठीक है, देखो सभी का हाइपोटेनस सेम है बाकी वो अंतर है, तो ये चीज आपको सिखा दिया गया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल प्रॉपर वे से एक एक चीज बनाकर बता दिया, पहला 7/25, दूसरा 24/25, तीसरा 24/25 और चौथा 7/25, बिल्कुल सही। देखो पहले क्या करना कि आपने एक घंटा देख लिया वीडियो, उसके बाद एक आध घंटे का रेस्ट, उसके बाद फिर से लगाना एक्सरसाइज, ठीक है, तब एक्सरसाइज लगाना, मतलब पहले याद कर लेना तब एक्सरसाइज लगाना, ये नहीं कि लग गए जूझने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए, कह रहे इन फिगर फाइंड 10p माइनस cot r, तो हमसे कह रहा है 10p माइनस cot r, राइट, और हमें डायग्राम दिया गया है, दिस इज 12, 13, नामकरण भी लिखा हुआ है QRP। जरा आप लोग ट्राई करो, जरा सा ट्राई करना, देखो अगर हमें स्पीड से करना है, मान लो ये ऑब्जेक्टिव में आता तो ऑब्जेक्टिव में आता 12, 13, तो ये 5 होता है, बोलो हां। अब 10p तो p परपेंडिकुलर 5 और हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, cot r दिस इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जस्ट अ मिनट, cot है ना, cot r तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो 10r होगा तो cot इसका अपोजिट होता है, दिस अपॉन दिस 5/12, 0 आंसर। तो ये तो आपको युद्ध स्तर पे करना होगा, कब, जब ऑब्जेक्टिव 0 आंसर आएगा इसका। अब समझो हम कैसे करेंगे, एक एक फैक्ट समझना मेरे 2G 3G लोगों,
समझो, पहले तो आपको यहां पर पाइथागोरस निकालना पड़ेगा। तो कैसे लिख देना, यहां लिख देना पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर। पी क्यू आर 12 का स्क्वायर 124, क्यू आर का स्क्वायर हमको चाहिए पी आर 169। तो क्यू आर 169 में 25 आया, तो क्यू आर बराबर 5। ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे ये कभी लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट अभी बोर्ड के एग्जाम देने हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपको सस्ता क्वेश्चन भी तो दिया जा रहा है, ये फ्यूचर टेंस में तो फर्जी क्वेश्चन कहलाएंगे, ठीक है। इसलिए ये निकाल लिया। अब यहां ध्यान देना, यही बच्चा गलती करता है, टेन पी दिस एंगल पी, अब समझो टेन पी इसके सामने परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और बेस होगा पी क्यू कॉट आर। तो कॉट आर, अब यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि टेन आर, देखो पहले टेन आर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर हमसे कॉट आर कोई कह देता है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहां पर बेस क्या है क्यू आर, क्योंकि आपको अभी लिख लिख के याद रखना है, और पी क्यू। बच्चा दोनों सेम हो गए, बोलो बोलो, तो जीरो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कि नहीं, अरे बोलो बोलो टेल टेल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है डायरेक्ट हो जाएगा कि ऐसे काट दो भैया सेम सेम, फिर भी आप वैल्यू रखो सजाने के लिए कि भैया क्यू आर 5 अपॉन पी क्यू 12 क्यू आर 5 अपॉन 12, तो जीरो इज द राइट आंसर, ठीक है। तो सजाना तो पड़ेगा, हो गया खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसा कि वादा है सारे पढ़ाएंगे, तो सारे के सारे एक साथ एक्सरसाइज, मतलब एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एग्जाम्पल एक्सरसाइज पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे फुटकर में नहीं। कह रहा है इफ साइन इज इक्वल टू 3/4, अब देखो साइन इज इक्वल टू 3/4 हमसे कह रहा है फाइंड, एक तरीके से कैलकुलेट बोल रहा है कि कॉस ए अपॉन, मतलब कॉस ए और टेन ए निकालना है, देखना कितने प्यार से निकालेंगे, ये हमको चाहिए, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब देखो यहां पर याद रखना कि हमने ट्रिपलेट्स तो याद कर रखे होते हैं, इसीलिए इसने 3-4 दिया है कि आप ट्रिपलेट्स के चक्कर में गलत कर दो। पहले समझो ट्रिपलेट्स में आपको हमने कहा 3-4-5, बट 5 हमारा क्या था, हाइपोटेनस था, बोलो हाँ, सबसे बड़ी वाली वैल्यू हाइपोटेनस कहलाएगी, बट यहां पर ये 4 है, अर्थात इसमें इस टाइप के ट्रिपलेट्स नहीं लगेंगे जो याद किए थे, इसमें हम निकालेंगे। तो पहले ऐसे बना लो, एंगल ए यहां लिखा है तो इसे ए घोषित कर दो, बाकी जो श्रद्धा वो घोषित कर दो। 3-4 लिखा है तो साइन ए, दिस इज द परपेंडिकुलर और दिस इज द हाइपोटेनस, ये निकालना होगा। यहां आप चाहो तो लिख देना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टीचर खुश, कहेगा बच्चा 4G है। यहां भी लिख देना बेस अपॉन हाइपोटेनस चाहिए और यहां लिख देना परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, टीचर खुश। बस अब एक्स्ट्रा काम क्या, चलो इसको एक्स मान लो, एक्स्ट्रा काम क्या 3 का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर 16 - 9 7 एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर √7, मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू √7, राइट। अब बेस, बेस की वैल्यू क्योंकि कॉस ये तो बेस √7, हाइपोटेनस 4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो 3/√7 इसका आंसर। तो बच्चा इसमें आपको ये करना पड़ेगा, हमेशा याद रहे हाइपोटेनस की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, परपेंडिकुलर से भी बेस से भी, और ट्रिपलेट में जो सबसे लास्ट में लिखे थे वो सारे हाइपोटेनस थे, अगर 3-4-5 को देखते हैं तो 5 की याद आती है, 3-4 को देखते हैं तो 3 और 4 को तो 5 की याद आती है, बट 5 हमारा हमेशा हाइपोटेनस होगा, यहां पर 4 हाइपोटेनस, अर्थात ये वो वाले ट्रिपलेट्स नहीं है, इसलिए हम पाइथागोरस को से सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे।
तो रूट सेवन बाई फोर एंड थ्री अपॉन रूट सेवन। चल कोई दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, ठीक है। और वीडियो ये ऐप में डाउनलोड भी हो जाएंगे, ठीक है, ऐसी फैसिलिटी दे रखी है, एक बार डाउनलोड कर लो, 10 बार देखो, तो डेटा भी बर्बाद नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ। कह रहा है गिवन है 15 cot a इज इक्वल टू 8, मतलब 15 cot a इज इक्वल टू 8, राइट। और हमसे कह रहा है फाइंड साइन a की वैल्यू चाहिए और sec a की वैल्यू चाहिए। देखते हैं, देखो पहले शॉर्टकट देखते हैं फिर लॉन्ग कट देखेंगे। शॉर्टकट देखेंगे, 8 को देखा तो 8 15 17 याद आ गया, पहले समझो 8 बड़ा 15 ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज द 8 एंड 15 ये 17, राइट, क्योंकि कॉट है, कॉट में बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन चाहिए तो 15 बटा 17, सेक चाहिए तो सेक में कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, सीधे आंसर। तो डायरेक्ट में तो बच्चा ऐसे करेंगे, दिस इज द डायरेक्ट प्रोसेस, ठीक है, 15/17 एंड 17/8 सही है। बट एक चीज ध्यान देना, अगर हमें सॉल्व करना है, ठीक है, मालूम चला मिड सेम में आ गए, ठीक है, टेस्ट टीचर ने लिया उसमें, तो आप डैड कराओगे तो नंबर कहेगा जय माता दी। हाँ अगर पढ़ा लिखा टीचर होगा, पढ़ा लिखा मतलब समझे वेल एजुकेटेड पर्सन होगा, तो वो पूरे नंबर देगा, ठीक है। अब जो किताबी कीड़े होते हैं टीचर, तो फिर वो कहेंगे इसने तो ए भी नहीं लिखा, इसने बी सी नहीं लिखा, सी डी नहीं लिखा, तो फिर नंबर नहीं देगा, समझे। तो बच्चा अब इसको कैसे कैलकुलेट करना, तो समझो ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलती है। यहां कॉट ए, दिस एंगल इज इक्वल टू ए घोषित कर दो, ये बी और ये सी, ठीक है। अब समझो यहां से स्टेप को बढ़ाओ, तो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15, यहां लिख देना तो टीचर खुद बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और यहां ऐसे लिख देना अगर ये, तो दिस इज द परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 15 एंड ये रेशियो में वैल्यू होती है b की वैल्यू इज इक्वल टू 8, ये आएगा 17। 17 कैसे, तो लिख देना यहां पर कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, h स्क्वायर 17, मतलब h स्क्वायर हमको चाहिए, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 289 इज इक्वल टू h स्क्वायर, तो h बराबर 17, राइट। आपका नाम अगर ऐसे दिक्कत आ रहा है तो फिर ऐसे लिख देना कि सर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, और फिर लिख देना, ठीक है, साइड वाला। अब देखो साइन A कह रहा है, साइन A तो ये BC, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, AC लिख दो तो 15/17। सेक A कह रहा है तो सेक होता है क्या, ऐसे लिख दो 1/cos ही होता है, और cos ही क्या होता है, तो cos ही होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 17/8। तो दिस इज द प्रोसेस। अगर आपने यहां पर एक दो स्टेप कम भी किए होंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, दुनिया की कोई ताकत गलत नहीं करा सकती, ठीक है। तो 17/8, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, आराम से लिख लेना इसको वीडियो रोक कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, मतलब sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। फिर कह रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें निकालना है, ठीक है, बस इतना ही दिया गया।
चलो अब ध्यान देना सारे मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकंड बताता हूं। आप भी सोच रहे हो सर डेढ़ घंटे से लगातार चिल्ला रहे हैं, ठीक है आदत है, चार चार घंटे तक पढ़ाएंगे आपको एक एक वीडियो में, जैसा पूरा का पूरा चैप्टर विद एग्जांपल की वीडियो आएंगे। सम sec theta इज इक्वल टू 13/12, ठीक है आपके लिए बहुत मेहनत का काम होगा, आप घर पे दोबारा तिबारा बार बार सीख सकते हो। दिस वैल्यू इज इक्वल टू थीटा, राइट। अब कुछ भी नाम लिख दो यहां पर, ए बी सी जो आपकी श्रद्धा हो, राइट। 13/12 दैट मीन्स हाइपोटेनस अपॉन बेस, दिस इज अ हाइपोटेनस 13 और बेस 12, तो ये 5 आ जाएगा डायरेक्ट। पर आप क्या साइड में लिख देना कि सर ए बी का स्क्वायर, आप तो पहले वहां लिख देना फिर यहां ऐसे लिख देना, सर ए सी का स्क्वायर क्या होता है, सर ए बी का स्क्वायर, हम ए बी का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, बी सी हमको मालूम नहीं वो तो हमने लिखा ही दिया, ए सी 169, तो बी सी इन दोनों को घटा देना 25 आएगा, तो बी सी बराबर 5 सीधे क्योंकि ट्रिपलेट से। उसके बाद अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखने, जैसे आपसे कह रहा है साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ, टेन थीटा बताओ, यहां साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा और कॉस का सेक थीटा, टेन का कॉट थीटा। देखो बच्चा अब यहां पर आप, यहां पर अगर भूल रहे हो तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और सोना चांदी तोले, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी, ऐसे लिखो सजा सजा के। अब सर पी बाई एच, दिस इज द पी, दिस इज द बी एंड दिस इज द एच, चिपका दो तेजी से। टीचर भी खुश कि बच्चा तो यार पढ़ा लिखा आदमी है। परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13, बेस 12 अपॉन 13, परपेंडिकुलर 5, बेस 12, और इसका रिवर्स, तो रिवर्स फिर ऐसे ऐसे होता है ना, जस्ट उल्टा, एच बाई पी, एच बाई बी, बी बाई पी, बस 13/5, 13/12 और 12/5 हो गया। तो बच्चा ऐसे फिर हम कैलकुलेट करेंगे और हमारे आंसर आएंगे। आराम से इसको दोबारा तिबारा देखो, वैसे कोशिश ये करना कि ये क्वेश्चन पहले खुद बनाना, क्योंकि एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल इसी टाइप का हमने आपको करा दिया था, राइट। तो आप समझ गए होंगे हम कहना क्या चाहते हैं। कितने बजे? नेक्स्ट क्वेश्चन में थ्योरम है, जैसा हमने एक बार प्रूव किया था सेम थ्योरम है। चलो मैं इस बार भी कर दे रहा हूं जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। इफ एंगल ए एंड एंगल क्यू, सॉरी एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, चल। तो इस टाइप का हमने पहले एग्जाम्पल में क्वेश्चन आपको कराया था, फिर भी हम पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रूव करेंगे जिससे आपको आ जाए। पहले समझो, यहां पर कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, जस्ट अ मिनट, एक ही में करवा रहा है क्या, बस ये देख लें। हाँ, आप दो अलग अलग ट्रायंगल बनाना, ठीक है समझो। यहां ए बोला गया तो इस एंगल को ए मान लेना, यहां बी बोला गया इसे बी मान लेना, बस क्योंकि कॉस इज इक्वल टू कॉस बी बोला गया, दिस इज इक्वल टू दिस वन, उसके बाद खेल जाओ।
खेलने में क्या, ये ए, इसका नाम पी क्यू कर लो और इसका नाम एम एन कर लो, कुछ भी जो आपकी श्रद्धा हो। समझना मेरे प्यारे दोस्तों, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ये हमें प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम क्या कर रहे हैं, यहां से लिखेंगे, इधर भी आ जाएंगे, उधर चले जाएंगे, लिखेंगे क्या कि गिवेन है वी नो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, बोलो हां, कॉस ए दिस, दिस इज द परपेंडिकुलर, तो कॉस ए की वैल्यू आ गई ए क्यू, एंड दिस इज द हाइपोटेनस ए पी या पी ए, कॉस बी दिस इज द, सॉरी ये बेस है, बेस क्यू ए एज ए बेस है, क्योंकि कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस और बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट मीन्स एन बी अपॉन एम बी, और ये हो गया। यहां पर थोड़ा सा आप सिमिलरिटी को ध्यान में रखते हुए कि जैसे नहीं क्यू ए तो अपॉन दिस वन, तो इसको इंटरचेंज कर दो, तो ए क्यू अपॉन एन बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन एम बी बराबर के मान लो, क्या मान लो के, तो बच्चा ये मालूम चल गया कि ए क्यू बराबर के एन बी के आएगा और पी ए बराबर के एम बी के आएगा, राइट। उसके बाद ये कि पी क्यू अपॉन एम एन निकालना है, तो पी क्यू की वैल्यू हाइपोटेनस अंडर रूट में पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, एम एन की वैल्यू, तो हाइपोटेनस मैंने पहले बताया था, हाइपोटेनस जो हो जाएगा एम बी का स्क्वायर माइनस एम एन चाहिए एन बी का स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू आपको नजर आ रही है, मैं अभी देख लूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको दिख ना रहा हो, तो पी ए दिस इज द पी ए के स्क्वायर एम बी स्क्वायर माइनस क्यू ए या ए क्यू, बात वही है, के स्क्वायर एन बी स्क्वायर नीचे आ गए, ये तो वही लिख दो एम बी स्क्वायर और एन बी स्क्वायर। आप देखो ऊपर से के स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर के, ऊपर नीचे सेम सेम, तो के ही के आएगा, ठीक है। अगर कोई तकलीफ है तो सजा के एक लाइन और बढ़ा लो, हाँ आप लोग अभी बढ़ा ही लो, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे अगर सीखोगे, अभी 2G में हो, ये कैंसिल, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू के। यहां से बात निकल के आ गई क्या कि ए क्यू अपॉन एन बी बराबर है पी ए अपॉन एम बी और बराबर किसके है पी क्यू अपॉन एम एन के और ये वैल्यू किसके के की, अर्थात ये हमारे रेशियो क्या बराबर है, और अगर ये रेशियो बराबर है तो यहां पर लग गया सिमिलरिटी, क्या लग गया बच्चा सिमिलरिटी लग गया, और जब यहां सिमिलरिटी लग गया तो आप एक बात समझ गए होंगे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर है। अब सिमिलरिटी में देखो कहां लिखेंगे वो भी समझ लो, यहां पर हम अंतिम लाइनें लिख देते हैं ऊपर, ध्यान देना जब हम सिमिलरिटी में लिखेंगे तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे पी क्यू ए, ट्रायंगल पी क्यू ए सिमिलर है एम एन बी, ट्रायंगल एम एन बी के, ये बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, दैट्स व्हाई एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव, यहां लिख देना सिमिलरिटी साइड साइड साइड, ठीक है, तो ऐसा आप लिख देंगे और हो गया फुल मार्क्स, बल्कि दो चार एक्स्ट्रा देगा क्योंकि बच्चा इतना कैसे लिख लिया, ठीक है, तो बच्चा रिविजन भी हो गया, दिल खुश। इसीलिए मैं एग्जाम्पल कराता हूं साथ ही साथ कि बच्चे दिल गार्डन गार्डन हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पूरी किताब पढ़ाई जाएगी विथ एग्जाम्पल, ठीक है, याद रहे कि जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तो वो आरडी शर्मा में एक्सरसाइज में हो जाते हैं, आरडी शर्मा में एक्सरसाइज के क्वेश्चन मतलब हो जाते हैं, और एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो आरडी शर्मा के एग्जाम्पल होंगे, आप देखिएगा, इसलिए सब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना, विच वन, सिक्स हो गया, सेवन, कह रहा इफ
cot theta is equal to 7 by 8. फिर हमसे कह रहा है कैलकुलेट करो, फर्स्ट वन 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा. नाउ सेकंड वन कॉट स्क्वायर थीटा, ये बोथ हमें कैलकुलेट करने हैं. देखो दोनों आसान है. अच्छा सेकंड वन क्या कॉट स्क्वायर थीटा है? ओ वाओ, सेकंड वन वाला तो पहले ही हो गया, सेकंड वन वाला तो हटा ही देते हैं कि बच्चा जो दिया गया था उसी का स्क्वायर पूछा गया, 7 बाई 8 का स्क्वायर, घर पे आराम से कर लेना 49/64. तो ये तो फर्जी हो गया सेकंड वन वाला, ठीक है सम. तो इसको ऐसे रब कर देते हैं, ऊपर वाला देखते हैं कॉट थीटा सम. पहले हम ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा, बस ऐसे छोड़ दो. दिस वैल्यू इज इक्वल टू बेस 9. अब ये कॉट थीटा 7/8 है, 7/8 है तो हां बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 7 हो गया, परपेंडिकुलर 8 हो गया, बोलो हां. उसके बाद आपको ये साइड निकालनी होगी, कुछ भी नाम लिख दो ए बी सी, तो आप लिख देना 8 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, बोलो हां. तो 8 का स्क्वायर 64, 749 और BC स्क्वायर, तो ये वैल्यू जो आ गई 64 और 49 उसका सम कितना होगा जोड़ लो, 9 4 13 9 4 13 और 113, तो BC की वैल्यू आ गई रूट के अंदर 113. तो ये हमारा क्या हो गया, BC की वैल्यू हो गई. देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, जब फ्यूचर टेंस में इसको करोगे इस क्वेश्चन को, तो अभी आप ही के चैप्टरों में है, ऐसा नहीं कि कहीं और है, तो तब इसको हम दूसरी तरीके से बता देंगे. चलो आज ही आप डिस्कस कर देंगे जो फ्यूचर में करोगे, क्योंकि पेपर में ये नहीं लिखा था कि एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है, कि एक्सरसाइज 8.2 का है, कि एक्सरसाइज 8.5 का है, समझ रहे हो ना. तो फिर हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, पर अभी तो हम ऐसे सिखा दे रहे हैं. 1 प्लस साइन साइन थीटा, साइन थीटा यू नो वेरी वेल क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये आप लिख लेना आप सजा सजा के, इच्छा हो तो, कोई जरूरत नहीं है. और यहां से साइन थीटा दो बार है तो 8 अपॉन, सेम चीज कॉस थीटा 1 प्लस 7 अपॉन अंडर रूट 113 और 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113, राइट. अब इसको कैलकुलेट करना है, इसको मैं हटा रहा हूं बच्चा, ये चीज आप a प्लस a माइनस यू नो वेरी वेल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 माइनस 8 का स्क्वायर और ये घट जाएगा, मतलब सुन गए 113 आ जाएगा. सेम चीज a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर अपॉन 113. एक छोटा सा एलसीएम ले लो, 113 माइनस 8 का स्क्वायर 64, 113 और यहां पर 113, 7 का स्क्वायर 49, 113, ये दोनों कट गए. अब बच्चा 113 में से 64 लेस करोगे तो कहीं ना कहीं जो आएगा 49 आएगा, कितना 49, तो ये 49 और यहां लेस करोगे तो 64 आएगा, तो 49 अपॉन 64 इज द राइट आंसर, 49 अपॉन 64 इज द राइट आंसर. तो अभी एक्सरसाइज 8.1 के अकॉर्डिंग करोगे तो ऐसे, बट जब आपके एग्जाम में आएगा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसको कैलकुलेट कर लेना ठीक है, जब आपके एग्जाम में आएगा तब आप कैसे करोगे वो अब हम फिर से बता दे रहे हैं. देखो तब आप कैसे करोगे कि अभी आने वाले एक्सरसाइज में बताएंगे हम क्या, कि बच्चा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फ्यूचर का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. मेरी बात को सारे बच्चे समझना ठीक है, ये 2G 3G नहीं 4G 5G वर्जन से सिखाते हैं हम. सम आप पेपर में ये करके आओगे, यहां लिखना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
और ये होगा 1 माइनस कॉस का थीटा. दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस का थीटा अकॉर्डिंग टू द दिस वन, और दिस वैल्यू इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा. और हम अच्छे से जानते हैं कि टेन थीटा होता है साइन थीटा, अब लिख लेना साइड में, तो कॉस थीटा जस्ट इसका अपोजिट, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है. ये लिखते रहना टीचर के लिए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा और बस इसका अपोजिट. अच्छा यही 7 का स्क्वायर 49 बटा 64 हो गया. ना आपको ट्रायंगल बनाना पड़ा ना कुछ बनाना पड़ा. तो आने वाले एक्सरसाइजों में हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है चलो ठीक है. राइट आंसर 49/64. अब कितने बचे देख लेते हैं. कौन सा था, 8 नंबर था. 9 नंबर सीखते हैं. चार क्वेश्चन बताने हैं और चारों में जबरदस्त तरीके से सिखाया जाएगा. कह रहे हैं ये ट्रायंगल राइट एंगल एट बी. देखिए इसमें साफ साफ बोला है ट्रायंगल का नाम एबीसी लिखा है पर राइट एंगल बी है, तो ये ए है और ये सी है. हमसे कह रहे हैं टेन इज इक्वल टू 1/√3 राइट. कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट वन बोला है साइन ए अपॉन साइन ए, कॉस सी कॉस ए साइन सी. इसका भी फॉर्मूला होता है डायरेक्ट पर अभी आपको सॉल्व करना है. कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी. तो अभी इनको बच्चा कैलकुलेट करना है पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन्हीं क्वेश्चनों को हम फिर से बता देंगे या आप खुद से दोबारा ट्राई करना. ये सब फर्जी क्वेश्चन होते हैं, तुरंत ही आंसर आ जाते हैं. ठीक है क्योंकि ये 10a बराबर 1/√3 ये 10/30 की वैल्यू होती है. ये नेक्स्ट चैप्टर से सीखोगे पर अभी हमें यही सीखना है जैसे प्रैक्टिस कराई जा रही थी कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या परपेंडिकुलर और दिस वैल्यू इज इक्वल टू क्या बेस. तो परपेंडिकुलर बेस ये है तो ये 2 आएगा. अब चाहो तो इसको कैलकुलेट कर लो कैसे. BC का स्क्वायर BA का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर. BC 1 BA √3 का स्क्वायर 3 AC स्क्वायर. तो AC बराबर 2 आ गया. तो ये हो गया. अब यहां पर बच्चा आपको रखना चाहिए कैसे साइन A बोलना है. तो साइन A इस एंगल पहले समझो इस एंगल के हिसाब से दिस इज द परपेंडिकुलर 1. ये आप लिख लेना नामकरण. चलो मैं लिख देता हूं. इसके हिसाब से BC अपॉन AC cos C इस एंगल के हिसाब से तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा. तो BC अपॉन AC cos A ये एंगल के हिसाब से ये बेस ये हाइपोटेनस होगा. तो BA अपॉन AC sin C के हिसाब से sin C के हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस होगा. मतलब BA अपॉन AC. आप समझ रहे होगे हम कहना क्या चाहते हैं. ठीक है अच्छे से सीखो क्योंकि एक ही ट्रायंगल में खिलाता है. अब BC अपॉन BA तो ये होल स्क्वायर हो गया ये भी होल स्क्वायर हो गया. BC क्या है 1 का स्क्वायर 1 होता है और AC 2 का स्क्वायर 4 होगा. BA √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 4/4 1 इसका आंसर हो गया. इसका आंसर क्या हो गया 1 हो गया. अब इसमें आते हैं cos A cos C वाले में. तो कॉस ए इसके हिसाब से बेस ए बी होगा हाइपोटेनस ए सी. कॉस सी इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा. तो बी सी अपॉन हाइपोटेनस माइनस साइन ए. साइन ए के हिसाब से चलोगे तो ये साइन ए दिस इज द बी सी अपॉन ए सी और साइन सी के हिसाब से ए बी अपॉन ए सी. वैसे तो ये दोनों सेम है सीधे 0 आंसर फिर भी आप रखोगे ए बी वैल्यू ए बी की 1 है 1/2 बी सी √3 है सॉरी ए बी √3 है अपॉन ए सी √3/2 बी सी कितना है 1 और ए सी 2 है बी सी कितना है 1/2 ए बी कितना है √3/2 बोथ आर सेम 0 आंसर. तो
अभी आपको इस चैप्टर के हिसाब से ऐसे सीखना है। फ्यूचर में ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस सी का, साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी, ये कॉस ए कॉस सी है तो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस सी का कि कॉस ए कॉस सी माइनस का अच्छा साइन ए साइन सी। तो ये फ्यूचर में आप सीखोगे। अभी अकॉर्डिंग टू द दिस चैप्टर आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है। पेपर टाइम चाहे जो करो सारे आंसर सही माने जाते हैं, क्योंकि वहां पर ये नहीं होता कि कौन सी एक्सरसाइज का है। तो अभी तो हम ऐसे ही सिखाएंगे, एक मेथड सीखो, अच्छे से सीखो। 9 नंबर हो गया। अच्छा 8 कराया था, हाँ करा दिया। नहीं 8 नहीं कराया, ये 9 नंबर था, 8 नंबर रह गया। पहले 8 नंबर देख लो। 8 कह रहा है इफ 3 cot इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मतलब आपको चेक करना है कि ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। मतलब ये डेरिवेशन ओके है कि नहीं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, देखो इस चैप्टर में तो हमें इसी से ही फॉलो करना है। आपको हमने एक पहले वीडियो दिया था अपना कि 3 cot a इज इक्वल टू 4 लिखा है तो cot a इज इक्वल टू 4 बाई 3 ऐसे करना है। दिस वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 4 ये 3 ये ट्रिपलेट से 5 आ जाएगा। फिर भी आप यहां साइड में लिख लेना, नामकरण कुछ भी कर देना, यहां a है ना a b c तो आप लिख देना ए बी का स्क्वायर। अच्छा ए बी तो ये c कर दो, a है ना तो a c तो इसे b कर लो। जरा इसको ट्राई करना, ध्यान देना। तो बच्चा ए सी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर किसके, ए बी के स्क्वायर के। तो ए सी 4 का स्क्वायर 16, बी सी 3 का स्क्वायर 9, ए बी का स्क्वायर तो ए बी बराबर 5। अब कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब इसमें एल एच एस और आर एच एस को प्रूव करना है कि इक्वल हैं कि नहीं। तो दोनों के लिए ऐसे ऐसे कर लो, इस टाइप से लाइन खींच लो। दिस इज द एल एच एस और आर एच एस, समझ। अगर हम वैसे तो आपको बता दे फ्यूचर में जब आप 11 12 पढ़ोगे तो ये ट्रू होता है, ये cos 2a की वैल्यू होती है, cos 2a बराबर cos 2a की, डायरेक्ट आंसर सत्य है, ठीक है। पर अभी हमें प्रूव करना है क्योंकि हम 10th क्लास में है। तो 1 माइनस 10 10 a क्या होगा बच्चा, दिस अपॉन दिस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर और 1 प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 9 बाई 16, 1 प्लस 9 बाई 16 कैलकुलेट करो, 16 में से 9 गया, 7 अपॉन 16, 9 16 25 बटा 16 7 अपॉन 25। घर पे आराम से इसको कैलकुलेट करते रहना। दिस वैल्यू इज इक्वल टू आर एच एस कॉस ए। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 4 का स्क्वायर, 4 बटा 5 का होल स्क्वायर। साइन ए, तो साइन ए क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर। 16 अपॉन 25, 9 अपॉन 25, 16 में से 9 गया, 7 अपॉन 25। मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दैट्स वाई ये रिलेशन क्या ट्रू है। और वैसे भी फ्यूचर में हम लिखवाएंगे, फिलहाल तो हम 10th क्लास में ही आपको फॉर्मूले लिखवा देंगे जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे,
कि कॉस्ट वे की ये वैल्यू होती है, कॉस्ट स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। वो आप लिख कर आओगे ना पेपर में, साइड में लिख दोगे दिस वैल्यू इज इक्वल टू कॉस्ट वे, टीचर मालूम है खुश हो जाएगा कि 10th क्लास का बच्चा 11th क्लास का कैसे जानता है, ये एक बड़ा मुद्दा आ जाएगा और जानना चाहिए। टेन नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, राइट एंगल एट क्यू, तो पी क्यू आर बोला है, आगे जाके देख लेते हैं साइन पी पी कर रहा है तो ये पी कर लो और ये आर कर लो, राइट। तो हमसे कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दिख रहा होगा पी क्यू इज इक्वल टू 5, देन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी और टेन पी, और कुछ तो नहीं दिया गया, ठीक है कैलकुलेट करो मेरे प्यारे दोस्तों, कैलकुलेट करो। ये 10 नंबर, उसके बाद एक और बचा है, ठीक है जल्दी से कैलकुलेट करो, पूरा 2 घंटे के आसपास का वीडियो बन गया, कोई बात नहीं हम सीखेंगे, समझो 1 घंटा पढ़ाना था 2 घंटा पढ़ाते हैं बच्चों को कि बच्चा सीखे, टॉपिक पूरा कंप्लीट करें। देखो PQ की वैल्यू PQ 5 होगा, अब यहां से समझो अगर PR PR को हमने X ले लिया, तो PR को X ले लिया तो QR क्या हो जाएगा, QR 25 माइनस X, इसके अकॉर्डिंग आप लिख लेना, ठीक है यहां लिख लेना लेट PR इज इक्वल टू X देन QR इज इक्वल 25 माइनस X। अब पाइथागोरस यू नो कि PQ का स्क्वायर QR का स्क्वायर इज इक्वल टू RP का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो बच्चा, बस इसके बाद एक और बचा है ट्रू एंड फॉल्स खाता, PQ 5 का स्क्वायर 25 QR 25 माइनस X का होल स्क्वायर, RP एक्स स्क्वायर। चलो अब खेला जाए, 5 12 13 तो नहीं आएगा, चलो देखते हैं क्योंकि यहां 5 है ना, तो 5 12 13 ट्रिपलेट्स, 5 का स्क्वायर 25 625, 25 का 625 प्लस एक्स स्क्वायर 25 × 50 एक्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab एक्स स्क्वायर, इसका हैप्पी बर्थडे, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 650 राइट इज इक्वल टू 50x, एक्स इज इक्वल टू 13, देखा बताया ना मैंने, देखो जो जो मैं बताऊं मतलब समझ लो रामबाण है डायरेक्ट वाला, बस तो यू नो दिस इक्वल टू 13 एंड दिस इक्वल टू 12, हमसे कह रहा है साइन पी बता दे, तो बच्चा हम भी कह देंगे साइन पी का होगा परपेंडिकुलर 12 अपॉन हाइपोटेनस, कोई कह दे कॉस पी बता दो, तो cos p बेस अपॉन हाइपोटेनस, आप लिख लेना प्रैक्टिस इतना करा दिया 5 अपॉन 13, और 10p बोल रहा है तो 10p परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 12 एंड बेस 5 हो गए। और आते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, तो 12/13 भी दिख रहा होगा, 5/12 भी दिख रहा होगा, 13 दिख रहा होगा, सब दिख रहा होगा, ठीक है चलिए ठीक है अंतिम क्वेश्चन 11 नंबर दिखाया जाए भाई, तो स्क्रीन के सामने 11 नंबर आ गया होगा, ट्रू फॉल्स टाइप में है, एक एक करके समझा देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा हम भी देखते रहेंगे और समझा देंगे। पहला कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई योर आंसर, कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, पहला इसने बोला कि ऑलवेज लेस देन 1, तो कह रहा ऑलवेज लेस देन 1 10a की वैल्यू, ऐसा हम नहीं कह सकते, ये फॉल्स है,
ये क्या है? फॉल्स है। देखो कैसे, हमसे कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो गलत बोल रहा है। ऐसा क्यों? यहां पर ऐसे बना लो, अगर ये a, मतलब एंगल a ले लो, b ले लो, c, a के सामने, मतलब a के सामने इसको हमने लिखा था क्या, अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, और इसे लिखा था एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, ये लिखा था, ठीक है। और कहीं ना कहीं टेन ए की वैल्यू अपोजिट साइड मतलब बी सी अपॉन ए बी होगा। अब ये बताओ, ये कहीं पर भी कोई कंडीशन नहीं है कि BC बड़ा होगा AB से, कि AB बड़ा होगा BC से, कहीं ऐसी कंडीशन नहीं है, ठीक है। कह रहा है ऑलवेज लेस देन वन, मतलब इसका कहने का मतलब है कि लेस देन वन की AB बड़ा होगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि AB बड़ा होगा, तो ऐसा तो कहीं दिया ही नहीं गया, दैट्स वाई ये फॉल्स है। यहां 2 हो सकता है, यहां 3 हो सकता है, यहां 3 हो सकता है, यहां 2 हो सकता है, तो एक से छोटा भी हो सकता है और एक से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, इन फ्यूचर आप जान जाओगे कि जो 10 की वैल्यू होती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच लाई करती है, तो हम यहां डिसाइड ही नहीं कर सकते कि 1 से लेस होगा, ठीक है, दोनों चीजों में, ठीक है, समझ गए, लेस देन और मोर देन। तो देखिए बिल्कुल डेप्थ नॉलेज, आपको तो सिर्फ फॉल्स लिखना था, हमने इतना बता दिया। टीचर क्लास में क्या करता है, ट्रू फॉल्स जय माता दी, बच्चा कह रहा घर से कर लो। फिर हमसे कह रहा है सेके, सेकंड नंबर में सेके इज इक्वल टू 12/5, राइट, सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए। अब हमसे कह रहा है फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल ए, तो इसका आंसर क्या होगा, सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एंगल ए की वैल्यू निकाल लोगे अलग से, तो sec a बराबर 12/5, तो यहां पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कुछ ना कुछ आएगी और हमें आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। sec a बराबर होता है हाइपोटेनस एंड एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो वी नो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, एडजेसेंट साइड, तो इसको ट्रू बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्जी क्वेश्चन है कि इसकी अदर वैल्यू निकाल लेंगे हम और एंगल ए भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट में कह रहा है कॉस ए इज एब्रीवेशन यूज फॉर कॉस, अच्छा देखो मैं आपको बता दूं, जो एब्रीवेशन होता है उसको समझो, जैसे साइन है, तो साइन वैसे तो ये ऐसे है, वैसे तो ये होता है साइन ए, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है साइन, मेरी बात सुनना, साइन होता ये लिखते ये है, जैसे कॉस है तो कॉसाइन होता है, क्या होता है, कॉसाइन होता है, क्या होता है, कॉसाइन, कॉसाइन लिखते कॉस है। तो यहां पर जो हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो कॉस सेकंड बोल रहा है, जो कि क्या है, फॉल्स है, क्योंकि कॉस कॉसाइन का ये कॉस होता है तो कॉस सेकंड नहीं होता, तो ये जो पूछा गया था उसके हिसाब से क्या है, फॉल्स है। जैसे 10 को टेंजेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंजेंट, तो ये लिखा देंगे, वैसे समझ लो आज 3 तो आज ही समझ लो कि साइन होता है, एस आई एन ई होता है, कॉस तो कॉसाइन बोलते हैं,
10 को टेंजेंट बोलते हैं, राइट। शॉर्ट फॉर्म में साइन कॉस 10 लिखा जाता है। तो ये वाला भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। कह रहे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, कह रहे कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, गलत। यहां मल्टीप्लीकेशन नहीं, ये एक ए एज ए एंगल है, उसमें कॉट लिया गया है, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये कोई मल्टीप्लाई नहीं, कॉट को अलग कर लो, ए को अलग कर लो, ये साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अच्छा ये चीज हो गया। अच्छा एक चीज समझना, एक चीज समझना, क्योंकि इतने डेप्थ में जब बता रहे हैं, तो इसी का दूसरा नंबर और इसी का पांचवा नंबर, इसमें पहले एक बार समझो। दूसरे नंबर में कह रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल a, ठीक है। और तीसरे a लास्ट नंबर में पांचवा जो कि अंतिम है, उसमें कह रहा है sin थीटा इज इक्वल टू 4/3। दोनों में मैटर है, समझो, समझना, दोनों का मैटर। पहले समझो, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस। हमेशा याद रखना हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, मैंने बार बार बताया है। तो ये फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सम अदर वैल्यू और उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अब जैसे 12/5 तो ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो आप जानते हो ऑलवेज हाइपोटेनस बेस से बड़ा होता है, तो ये ट्रू हो गया। तो अब ये वाला भी समझ गए होगे और ये वाला भी समझ गए होगे, ठीक है। तो बच्चों क्या एक्सरसाइज 8.1 पूर्णतः कंप्लीट करा दी गई है विथ एग्जाम्पल विथ नॉलेज। अब इसका आपको अभ्यास करना है। अगर 2 घंटे हमने कॉन्टिन्यू पढ़ाया है, अगर क्लास में वैसे पढ़ाते तो 3-4 दिन में इतना पढ़ाते जितना आपको एक क्लास में मिल रहा है, समझ गए। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।